पेशे खिदमत है कहानी कज़ाकों की वादी। कोई दो बरस की बात है कि अंग्रेज़ों के मुल्क इंग्लिस्तान में एक्समोर नामी कस्बे के करीब एक ज़राती फार्म वाक़ था जिसका नाम पुल्लुवर्स बारूज था। ये खूबसूरत फार्म आबादी से अलग थलग मेवों के बाग और चमकीली घास से घिरा हुआ था। एक छोटा सा चश्मा फार्म के बराबर बने हुए मकान के पास से गुजरता जिसके पीछे काली काली पहाड़ियाँ थीं। पहाड़ियों के साथ साथ एक बंजर मैदान दूर तक जाता जिसमें कांटेदार झाड़ियों के अलावा और किसी पौधे का नामो निशान तक ना था। फार्म के आरामदेह और बड़े मकान में फार्म का मालिक रीड अपने तीन बच्चों और बीवी के साथ रहता था, जिनमें से दोनों लड़कियां एनी और एलिजा तो अमूमन घर पर ही रहती। अलबत्ता जॉन जो सब में बड़ा था वो स्कूल भेज दिया गया था। पुल्लुवर्स बारूद से थोड़े फासले पर पहाड़ियों के दरमियान एक जरखेज और बड़ी भरी वादी थी जो सरान सरडॉन के कब्जे में थी। सरान सरडॉन किसी ज़माने में बहुत मालदार था मगर उसने अपना सब रुपया बर्बाद कर दिया था और कंगाल होने के बाद एक्समोर चला आया जहाँ गुमनाम सी जिंदगी गुजार रहा था। गिरदोनवा के किसानों ने पहले तो उसकी हालत पर रहम खाकर मकदूर भर उसकी इमदाद की, लेकिन जल्द ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस मदद का असर उल्टा पड़ा है और इससे सरान सरडॉन उसके लड़के निकम्मे और मुफ्त खोरे हो गए हैं। उन्होंने अपना वो काम धंधा भी छोड़ दिया जो वो पहले किया करते थे। इस पर किसानों ने उसकी इमदाद बंद कर दी मगर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। किसानों के इस फैसले का असर और भी उल्टा पड़ा। इससे सरान सरडॉन और उनके ख़ानदान की सलाह तो क्या होती, बल्कि अब वो डाके डालने और लूटमार करने लगे। जहाँ कहीं मौका मिलता माल उड़ा ले जाते, मुसाफिरों का सामान छीन लेते और अगर कत्लो गारत की ज़रूरत पड़ती तो उसे भी दरेग ना करते। एक रात डॉन और उसके साथी लूटमार के लिए रवाना हुए। उन्होंने देखा कि ज़मींदार रीड चंद दोस्तों के साथ बाजार से घर आ रहा है। डॉन ने एक सवार को इशारा किया जो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। रीड के साथी उसको देखकर घबरा गए और अपनी अपनी नकदी निकालने लगे, मगर ज़मींदार रीड ने अपनी मोटी और मजबूत लाठी तोलते हुए घोड़े को आगे बढ़ाया और सवार पर हाथ छोड़ दिया, लेकिन सवार लाठी के वार को बचा गया। उसी लम्हे बंदूक चलने की आवाज़ आई और एक गोली रीड के एक पहलू को तोड़कर दूसरी तरफ निकल गई। ये गोली किसी डाकू ने चलाई थी। रीड एक चीख मारकर ज़मीन पर गिर गया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। बाप के मरने के वक्त जॉन की उम्र 12 साल थी। फार्म से भेजे हुए नौकर ने जब स्कूल में उसको ये खबर सुनाई तो वो सदमे से निढाल हो गया, मगर उसने हिम्मत ना हारी और फौरन नौकर के साथ अपने फार्म की तरफ रवाना हो गया। उन्हें घोड़ों पर बहुत लंबा सफ़र करना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो रास्ते की एक सराय में खाना खाने के लिए ठहर गए। खाना खाने के बाद जॉन सराय के सहन में पानी के पंप के नीचे हाथ धो रहा था कि उसकी नज़र एक गैर मुल्की नौकरानी पर पड़ी। वो भी पानी लेने आई थी। वो नहायत अदब के साथ जॉन से मुखातिब हुई, छोटे मियाँ बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी निकाल दें, मुझे अपनी बेगम साहिबा के लिए ले जाना है। जॉन ने उसे पानी निकाल दिया और वो शुक्रिया अदा करके चली गई। सराय से निकलकर जॉन और उसके नौकर के घोड़े एक ढलवान पहाड़ी पर चलने लगे। जब वो एक मोड़ को तय करके सीधी पगडंडी पर आए तो उन्हें एक घोड़ा गाड़ी अपने आगे आगे जाती हुई दिखाई दी। उस गाड़ी में एक खातून बहुत कीमती लिबास पहने बैठी थी। उसके पहलू में एक छोटा सा खूबसूरत लड़का बैठा था और सामने वो गैर मुल्की नौकरानी थी जिसे जॉन ने सराय में देखा था। नौकरानी के साथ ही एक स्याह बालों वाली नौ उम्र लड़की बैठी थी। जॉन ने ऐसे मौजिज़ और खूबसूरत लोग इससे पहले नहीं देखे थे। उसने अदब से टोपी उतार कर उन्हें सलाम किया। खातून ने भी जवाब में सलाम किया। गाड़ी आगे बढ़ गई और फिर नज़रों से ओझल हो गई। अगरचे जॉन बाप की मौत से रंजीदा था मगर उसने दिल को मजबूत रखा और नहायत सब्र सुकून से रास्ता तय करता रहा, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। अंधेरा लम्हा बा लम्हा बढ़ने लगा और उस वीराने पर इतना कोहरा छा गया कि झाड़ियों में से रास्ता तलाश करना मुश्किल हो गया। अभी ये लोग पुल्लुवर्स बारूद के करीब पहुँचे ही थे कि उन्होंने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी। घुड़सवार उन्हीं की तरफ आ रहे थे। ये समझ गए कि डॉन के आदमी किसी को लूटकर अपने घर वापस जा रहे हैं, इसलिए वो अपने घोड़ों से कूदकर सड़क की एक तरफ छुप गए। वो डॉन के आदमी उनके पास से होकर गुजर गए। उनके दूसरे साथियों ने पहाड़ी पर बड़ी तेज आग जला रखी थी ताकि उन्हें रास्ता तलाश करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। जॉन उन्हें खामोशी से देखता रहा। ये लोग घोड़ों पर सवार थे और लूटा हुआ माल उनके साथ था। एक सवार ने अपने आगे एक छोटी बच्ची को मजबूती से पकड़कर बिठा रखा था। जॉन ने सोचा कि ये लोग इस बच्ची को किसी से छीन कर लाए हैं। पहाड़ियों पर जलती हुई आग ने
मैदान को इतना रोशन कर दिया था कि बगौर देखने से आदमी पहचाना जा सकता था। फिर भी वह उस लड़की को अच्छी तरह पहचान ना सका, लेकिन ना पहचानने के बावजूद एक बेबस लड़की को दरिंदों के हाथ में देखकर उसका खून खोलने लगा। बाप के मरने के बाद घर में सिर्फ जॉन ही अकेला मर्द था, इसीलिए फार्म की देखभाल और खानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी थी, जिसे निभाने का उसने पुख्ता इरादा कर लिया। उसने राइफल चलाना सीख लिया और एक दिन वो करीबी कस्बे से कुछ सीसा और बारूद खरीद लाया ताकि अपने बाप की बंदूक के लिए गोलियां बनाए और ज़रूरत पड़ने पर अपने खानदान की हिफाजत कर सके। जाड़े में शाम के वक्त सब लोग बावर्ची खाने में बैठ जाते, जो खासा बड़ा था। मिसिज रिड सो जाती, एलिजा कोई किताब पढ़ने लगती और एनी घर के किसी काम में मशगूल हो जाती, मगर जॉन राइफल के लिए कारतूस बनाया करता। उसने खेती बाड़ी का भी सारा काम सीख लिया और दिन भर अपने खेतों में लगा रहता। अलबत्ता फुर्सत के वक्त वो अक्सर तैरने और मछली के शिकार को चला जाता था। अब वो 14 वर्ष का हो गया था। फरवरी के महीने में एक दिन काफ़ी सर्दी थी, ना जाने उसके जी में क्या आई कि वो अकेला मछली के शिकार को रवाना हो गया। उसने अपने जूते और मोजे एक थैले में रख कर गर्दन में लटका लिए, आस्तीनें चढ़ा ली और एक मजबूत लाठी हाथ में ले ली। थोड़ी दूर चलकर उसने एक छोटी सी पायाब नदी को पार किया जो डॉन की वादी की तरफ बहती थी। दरख्तों की शाहों ने मिलकर उस नदी पर एक छप्पर सा बना लिया था जिससे सूरज की रोशनी पानी तक नहीं पहुंच सकती थी और नदी के चारों तरफ एक तारीकी छाई रहती। यहाँ से थोड़ा सा फासला तय करके नदी एक बड़े से तालाब में गिरती थी। जॉन चट्टानों के पास ठहर गया। एक तरफ एक आबशार था। जॉन देखना चाहता था कि इस आबशार में पानी कहाँ से आ रहा है, इसलिए उसने ऊपर चढ़ने का इरादा कर लिया। एक दफ़ा तो पानी ने उसे तालाब में धकेल ही दिया। करीब था कि वो पानी में डूब जाए, मगर खुशकिस्मती से उसकी लाठी चट्टान में अटक गई और वह डूबने से बाल बाल बच गया। मगर उसने हिम्मत ना हारी, कोशिश करके दोबारा चट्टान पर पहुंचा और फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। ये चढ़ाई बहुत दुश्वार थी। जॉन एक दफ़ा फिर फिसल कर गिर पड़ा और उसके पाँव में मोच आ गई, जिससे उसके पाँव में सख्त दर्द शुरू हो गया। फिर भी वो जब्त करके किसी ना किसी तरह चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर वहां पहुंचकर उसे गश आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो डॉन की वादी में है और बड़ी बड़ी आंखों और गहरे भूरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की उसकी पेशानी पूछ रही है। वो एक सफ़ेद टोपी पहने हुए थी और उसके स्कर्ट का रंग तो बहुत ही खूबसूरत था। लड़की उसके करीब दो जानू होकर बैठी हुई थी और बार बार अपने रुमाल को उसके चेहरे और पेशानी पर फेर रही थी। जॉन को होश में देखा तो कहने लगी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम्हें जल्द होश आ गया, वरना मैं तो बहुत परेशान थी। फिर कहने लगी, ये तो बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्यों कर आए हो। मेरा नाम जॉन रिड है, जॉन ने जवाब दिया। मैं मछली का शिकार कर रहा था, मगर तुम कौन हो। मेरा नाम लोरोना डॉन है, उसने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। गोया उसे अपना नाम बताते हुए शर्म सी आ रही थी, वो बहुत रंजीदा मालूम होती थी। जॉन ने उसे अपनी शिकार की हुई मछलियां पेश की तो उसने रोना शुरू कर दिया। इससे जॉन बड़ा परेशान हुआ और उसे चुप कराने की कोशिश कराने लगा। इतनी तसल्लियों और दिलासों के बावजूद लोरोना का खौफ दूर ना हुआ। वो उससे कहने लगी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, अगर डॉनों ने तुम्हें देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। जॉन जाने के लिए उठा और कहने लगा, मैं फिर आऊँगा और तुम्हारे लिए अपने बाग के सेब लाऊंगा, तुम्हें अपने कुत्ते के पिल्ले दिखाऊंगा और वो लंगड़ी चिड़िया भी जिसे मैंने पकड़ा था और अब वो बोलना सीख गई है। और सुनो लोरोना, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लोरोना कह रही थी कि उसे ये सब कुछ पसंद है। इतने में उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। लोरोना डर गई क्योंकि वाकई डॉन के आदमी उसी को तलाश करते आ रहे थे। जॉन खतरे का एहसास करके कहने लगा, आओ लोरोना मेरे साथ भाग चलो, मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी और बड़े आराम से रखेगी। लोरोना ने इनकार में सर हिलाया और कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मगर आप यहीं छुपे रहें और उस वक्त बाहर निकलें जब वो चले जाएं। मैं आपको यहाँ से निकलने का आसान रास्ता बताई देती हूँ। जॉन वहीं एक मुकाम पर छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि डॉन के गिरोह का एक डाकू लोरोना को कांधे पर बिठाए लिए जा रहा है। उनके जाने के बाद वो बाहर निकला और लोरोना के बताए हुए रास्ते से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जॉन ने इस वाक्य का जिक्र किसी से नहीं किया। घर आकर वह अपनी खेतीबाड़ी के कामों में लग गया, मगर शिकार करने और मछली पकड़ने का भी शुगल जारी रहा। उसे अपने घर वालों से बड़ी मोहब्बत थी, खास तौर पर अपनी बहन एनी से तो वो बहुत प्यार करता था। कई महीने बाद एक दिन जॉन और एनी फार्म के अहाते में काम कर रहे थे कि उन्होंने शोरों गुल की आवाज़ सुनी। दोनों उस तरफ दौड़ पड़े।
पता चला कि चश्मे में जो घास फूस और लकड़ियां बहकर आ गई थी उनमें एक बत्तख का पांव फंस गया है। इतने तेज पानी से गुजरकर बत्तख तक पहुंचना उन बेचारे बच्चों के बस में नहीं था, इसलिए वो किनारे पर खड़े बेबसी से बत्तख की तरफ देख रहे थे और कुछ नहीं सुझा रहा था कि क्या करें। इतने में एक घुड़सवार नजर आया जो पानी में उतर गया। चंद मिनट बाद बत्तख उठा लाया, जिस पर जॉन और एनी ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन वह उनकी तरफ कोई तवज्जो देने की बजाय अपने जानवर से बातें करने लगा। ये एक खूबसूरत घोड़ी थी। जॉन ने उसकी तरफ देखकर कहा, जनाब आपकी घोड़ी बड़ी खूबसूरत है, क्या मैं भी इस पर सवारी कर सकता हूँ? अजनबी हंसा और एक खुशगवार मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरा ख्याल है कि तुम इस पर सवार नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करके देख लो। मेरा नाम टॉम फेगस है और ये मेरी घोड़ी दिन्नी है। जॉन ने अक्सर टॉम का जिक्र सुना था, जो एक मशहूर डाकू था। उसने ये भी सुन रखा था, सवाए टॉम के और कोई सवार नहीं हो सकता। मगर ये सुनकर तो जॉन के दिल में इस घोड़ी पर सवारी करने का शौक और ज्यादा हो गया। वो उचक कर घोड़ी की जीन पर जा बैठा। घोड़ी चुपचाप खड़ी रही, जिस पर जॉन की आंखें खुशी से चमक उठी। ये देखकर टॉम ने मुंह से सीटी बजाई, जिसे सुनते ही दिन्नी अपनी पिछली टांगों पर अलिफ हो गई। जॉन फिर भी उसकी पीठ पर जमा रहा। अब घोड़ी ने उसे गिराने के लिए एक और जबरदस्त छलांग लगाई और फिर अहाते का फाटक पार करके चिरागाह की तरफ भागने लगी। बाहर निकलकर दिन्नी ने कूदना फांदना और अगली टांगें ऊपर करके पिछली टांगों पर खड़ा होना शुरू कर दिया, मगर जॉन उसी तरह जीन से चिपका रहा। टॉम ये सब तमाशा देख रहा था। चंद मिनट के वक्फे से उसने फिर सीटी बजाई, जिस पर दिन्नी वापस आ गई। उसने फिर एक मरतबा फाटक पर छलांग लगाकर उसे पार कर लिया और टॉम के सामने पहुंच गई। अब जॉन थक कर निढाल हो चुका था, इसलिए वो नीचे गिर गया। टॉम ने जॉन को तारीफी नजरों से देखकर कहा, शाबाश लड़के, तुम बड़े बहादुर हो। इस अरसे में जॉन की माँ को भी खबर हो गई। वो इस डर से कि जल्दी जल्दी वहां पहुंची कहीं उसके बेटे को चोट ना लग गई हो, तहम उसने जॉन से कुछ ना कहा। जो ही इसकी नजर टॉम पर पड़ी, उसने उसे पहचान लिया। वो तो उसका रिश्ते का भाई लगता था। मिसिज रिड ने टॉम को चंद रोज के आम की दावत दे दी, जिसको उसने बखुशी मंजूर कर लिया। इस अरसे में बच्चे टॉम को बहुत पसंद करने लगे थे, क्योंकि वो उन्हें बड़े दिलचस्प किस्से सुनाता था। अगरचे टॉम एक बदनाम डाकू था, मगर इस मैदान में भी उसका किरदार नुमाया था। जो रुपया वो अमीरों से वसूल करता, गरीबों की इमदाद में खर्च कर देता। इसके अलावा दूसरे डाकुओं की तरह वो बिला वजह कत्लो गारत नहीं करता था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते रहे और जॉन इस अरसे में लड़कपन की हदों से गुजर कर जवानी के दायरे में दाखिल हो गया। अब वो 12-13 साल का लड़का नहीं था, बल्कि लंबा तड़ंगा, मजबूत हाथ पैर और चौड़े चकले शानों वाला ताकतवर जवान बन चुका था। वो अपनी उम्र के 21वें साल में था कि एक दिन उसे चचा रियूबन हुक्का बैग का पैगाम मिला। वो उनसे मिलने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। रियूबन हुक्का बैग एक मालदार सौदागर थे। उनके आने की खबर सुनकर सब घर वालों को खुशी हुई। मौसम खराब था, क्योंकि हर तरफ कोहर छाई हुई थी। जॉन को खौफ पैदा हुआ कि कहीं चचा रियूबन रास्ता ना भूल जाए या कहीं डोन लोगों के हत्थे ना चढ़ जाए। चुनाचे ये सोचकर वो उन्हें लेने के लिए खारदार झाड़ियों के जंगल की तरफ रवाना हो गया। जॉन ने भी थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसने घोड़े को सरपट अपनी तरफ आते देखा, जिस पर एक आदमी इस तरह बंधा हुआ था कि उसका मुंह घोड़े की धुम की तरफ था। जॉन अपने घोड़े से कूदकर मुखालिफ सीमत से आने वाले घोड़े के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बंधा हुआ आदमी उसके चचा रियूबन है। डाकुओं ने पहले तो उनका रुपया पैसा और घोड़ा छीन लिया और फिर मजाक से उन्हें एक जंगली घोड़े की पीठ पर धुम की तरफ मुंह करके बांध दिया। चचा रियूबन को डाकुओं पर बहुत गुस्सा आया। रस्सियां खुलते ही उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, डॉन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने शरीफों का जीना हराम कर रखा है। रात को चचा के एजाज में एक जियाफत का इंतजाम किया गया, जिसमें आसपास के काश्तकारों को भी बुलाया गया। चचा का गुस्सा भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने किसानों को देखते ही तकरीबन चीख कर कहा, तुम सब बुजदिल हो जो डाकुओं का हर जुल्म बर्दाश्त करते जा रहे हो, लेकिन उनका मुकाबला करने से कतराते हो। तुम सब मिलकर उनके खिलाफ कोशिश क्यों नहीं करते? खाना खा चुकने के बाद उन्होंने कहा, मुझे अपने तुंद लहजे पर बहुत अफसोस है, मगर मैंने जो कुछ कहा वो एक हकीकत है। उन डाकुओं को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना हमारा फ़र्ज है। जॉन ने तय कर लिया था कि वो इस किस्से के मुतालिक और कोई बात नहीं करेगा, लिहाजा वो खामोश ही रहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे चचा रियूबन जॉन को साथ लेकर बाहर निकले। सबसे पहले वो आसपास के बड़े लोगों के पास पहुंचे। रियूबन ने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि वो डाकू डॉन और उसके गिरोह को सजा दिलवाने में उनकी मदद करें, मगर वहां तो डाकुओं के तसव्वुर से ही उन लोगों की जान निकली जाती थी, इसलिए उनमें से किसी ने उनकी हौसला अफजाई ना की। रियूबन ने जॉन से कहा,
क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहाँ ये डाकू रहते हैं? जॉन ने जवाब दिया, चचा मैं कल आपको ले चलूंगा। चुनाचे दूसरे दिन दोनों घोड़ों पर सवार होकर उस पहाड़ी के दामन में पहुंचे जहाँ डाकू का ठिकाना था। जॉन और युवन दोनों ने उस पहाड़ी पर चढ़कर वादी की तरफ निगाह डाली। अचानक जॉन को लोरोना के देखने का ख्याल आया। इतने दिन गुजर जाने पर भी वह उसे भूला नहीं था। चंद दिन बाद चचा रियूबन वापस चले गए। लोरोना से दोबारा मिलने का ख्याल जॉन के दिल में मतवातर चुटकियां ले रहा था। चुनाचे बाहर के खुशगवार मौसम में एक दिन वो लाठी हाथ में पकड़े उस पहाड़ी की तरफ चल खड़ा हुआ। बिल्कुल 7 वर्ष पहले की तरह खारदार झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ वो उसी स्याह तालाब के पास आया। पानी अब उसके लिए इतना गहरा नहीं रहा था जितना उस वक्त था जब वो एक लड़का था। अब तो वो एक नौजवान लड़का था। अगरचे तालाब का स्याह पानी अभी खौफनाक लगता था, आबशार में से गुजरकर पहाड़ी पर चढ़ना जान जोखों का काम था क्योंकि फिसलन हद से ज्यादा थी, मगर जॉन सब कुछ झीलकर पहाड़ी पर चढ़ गया। ऊपर जाकर वो उसी छोटे से चश्मे के पास खड़ा हो गया जहां उसने लोरोना को पहली बार देखा था। इत्तफाक से वो आज भी वहां मौजूद थी और झुकी हुई बसंती फूल चुन रही थी। जॉन खामोश खड़ा उसे देखता रहा। लोरोना अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे जॉन के वहां आने का कोई पता नहीं चला। फूल तोड़ने से फारी होकर जब वो सीधी खड़ी हुई तो अचानक उसकी नज़र जॉन पर पड़ी। वो उसे पहली नज़र में पहचान ना सकी क्योंकि जॉन अब काफ़ी बदल गया था। वो भागने ही वाली थी कि जॉन उसके इरादे को भांप कर उसी तरह घास पर गिर पड़ा जैसे वो पिछली दफ़ा गिरा था। गिरने के साथ ही उसने पुकारा, लोरोना डॉन। उससे लोरोना को पिछला वाकया याद आ गया और वो उसे पहचान गई कि वो जॉन रिड है, मगर ना जाहिर होने दिया और अनजान बनकर पूछा, जनाब आप कौन साहब हैं और मेरा नाम आपको कैसे मालूम हो गया? मैं जॉन रिड हूँ, जॉन ने जवाब दिया। क्या तुम्हें वो छोटा लड़का याद नहीं जो आबशार से चढ़कर आया था और यहाँ पहुंचकर बेहोश हो गया था? तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया और मुझे होश में लाई थी। हाँ मुझे याद आ गया, मगर तुम इतने बदल गए हो कि मैं तुम्हें पहचान ही ना सकी, लोरोना ने बताया। मैंने ये भी तो बताया था कि अगर डाकुओं ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। उसे शायद तुमने भुला दिया है। मुझे याद है और मैं जानता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। फिर भी तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे मिलने यहाँ आता रहूँगा, जॉन ने कहा। वो वहाँ थोड़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। जब एक दूसरे से रुखसत हुए तो लोरोना ने उसको आने से मना नहीं किया, इसलिए जॉन ने फैसला कर लिया कि वो जल्द ही दोबारा उससे मिलने आएगा। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, आबशार का पानी तेजी से गिर रहा था। जॉन को ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत हुई मगर उसने हिम्मत ना हारी। ऊपर पहुंचने में वो कामयाब तो हो गया मगर उसने बहुत थका दिया था। वो घास पर बैठ गया, उसकी आंखें खुद बाखुद बंद होने लगी और वो जल्द ही गहरी नींद के मजे लेने लगा। काफी देर के बाद जब वो भागा तो उसने देखा कि लोरोना वहां खड़ी उससे कह रही है, जॉन रिड तुम फिर यहाँ आ गए, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे सिर्फ जॉन कहकर पुकारो, जॉन ने उसकी बात काट कर कहा और लोरोना ने घबराए हुए अंदाज में कहा, चलो जॉन सही तो जॉन, खुली जगह बैठना खतरनाक है, आओ मेरे साथ। ये कहकर लोरोना जॉन को एक पोशीदागार में ले गई जहां वो अक्सर अकेली जाया करती थी, जिसे और कोई नहीं जानता था। जॉन ने उसे हंसते वादा ताजे ताजे अंडे पेश किए जिन्हें उसने एहतियात के साथ घास पर रख दिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। जॉन ने समझा कि शायद वो उसकी किसी बात से नाराज हो गई है, इसलिए उसने बेताबी से पूछा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची? नहीं तुमसे कोई तकलीफ नहीं हुई, लोरोना ने उसको इत्मीनान दिलाया और एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं अपनी किस्मत को रोती हूँ कि मेरा पाला ऐसे आदमियों से पड़ गया है। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, मेरा दादा सरॉन डॉन मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। डॉन मुझे अपनी छोटी सी मलका कहते हैं और मुझे सताने की जरूरत कोई भी नहीं कर सकता, फिर भी मैं अपने आप को तनहा महसूस करती हूँ। मेरी एक नौकरानी है जिसका नाम गोइनी है, वो बचपन से मेरी खिदमत करती है। वो अभी छोटी सी थी कि उसका बाप उसे छोड़ गया। इधर उधर घूमते देखकर मैं उसे अपने साथ ले आई, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत बुरे हैं। एक लहजे के बाद फिर कहने लगी, मैं पहले समझती थी कि ये लोग सिर्फ डाकू हैं और इनमें कोई दूसरी बुराई नहीं, मगर अब मेरा ख्याल बदल गया है। जॉन ने पूछा, ये क्यों कर? लोरोना ने बताया, पिछले साल मेरे रिश्ते का भाई एलन ब्रांडर मुझसे मिलने आया था। वो मुझसे कहता था कि मेरे साथ लंदन चलो, वहाँ मेरी माँ तुम्हारी देखभाल कर लेगी। मैं उसे पसंद करती थी, उस पर भरोसा रखती थी, इस तरह डॉन लोगों से छुटकारा मिल जाता, मगर अव्वल तो मैं अपने दादा को नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। दूसरे जालिम डॉन मुझ पर कड़ी नज़र रखते हैं। फिर लोरोना कहने लगी,
हम जब आपस में बातें कर रहे थे तो मेरा रिश्ते का भाई कॉर्वर डोन आया। एलन को देखते ही वो गुस्से से पागल हो गया और उसने उसे उसी वक्त मेरे सामने कत्ल कर दिया। उसने फिर एक लंबी सांस ली और कहने लगी, इसीलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरे पास ज्यादा ना आया करो, कहीं ऐसा ना हो कि डोन तुम्हें देख ले। लोरोना कई लम्हों तक खामोश रही और फिर कहने लगी, हाँ अगर कभी मुझ पर कोई मुसीबत पड़ी और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं सफ़ेद पहाड़ी की चट्टान पर एक कपड़ा लटका दूंगी ताकि तुम उसे दूर से देख सको और मेरी मदद को पहुंच सको। उस दिन जॉन वापस हुआ तो वो बहुत उदास था। लोरोना के गम ने उसे भी गमगीन कर दिया। ताहम इस बात से उसे काफ़ी तसल्ली हुई कि लोरोना उस पर भरोसा करती है, वो उसकी मदद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। जॉन ने इस मरतबा भी लोरोना के मुतल्लिक किसी से कोई तस्करा नहीं किया बल्कि मामूल के मुताबिक अपने कामों में मशगूल हो गया। उसे डॉन की वादी से होकर आए हुए करीब करीब एक हफ्ता हो गया था और वो दोपहर के वक्त काम खत्म करके सस्ता रहा था कि उसने एक घुड़सवार वीराने की तरफ से फार्म की तरफ आते हुए देखा। यह आदमी फाटक पर पहुंचकर पुकारने लगा, यहाँ आओ, मैं सरकारी काम से आया हूँ। क्या पुल्लूवर्स बारूस का फार्म यही है? जॉन ने उस आदमी को फार्म के अंदर बुला लिया और एनी से कॉफी और कुछ खाने के लिए लाने को कहा। यह आदमी सिपाहियों का सा लिबास पहने था। उसने अपना नाम जेरी स्टिकलिस बताया और कहा, मैं पुल्लूवर्स बारूस के लिए एक हुक्मनामा लाया हूँ जिसमें जॉन को बिला ताखीर लंदन पहुँचने की हदायत की गई है। उसके बाद उसने जॉन को एक हुक्मनामा दिया जिसमें उसको ताकीद दी गई कि वो लंदन की अदालत में हाजिर होकर चंद खास सवालों का जवाब दे। बेचारी मिसेज रीड को जब जॉन के लंदन जाने का हाल मालूम हुआ तो वो बहुत रंजीदा हुई, मगर शाही हुक्म से इनकार भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन जॉन जेरेमी के साथ लंदन रवाना हो गया। मिसेज रिड और एनी बड़ी परेशान थीं कि ना जाने जॉन को कितने दिन लग जाएं और शायद उसे वापस आने की इजाज़त ही ना मिले। जेरेमी और जॉन को सफ़र में दो दिन लगे। उस जमाने में सफ़र करना बड़ा मुश्किल और बहुत ही खतरनाक काम था। सड़कें नहायत ख़राब और धूल से अटी हुई थीं और मुसाफिरों को कदम कदम पर चोरों और डाकुओं का खतरा लगा रहता था। अक्सर औकात सराय वाले भी लोगों को ठग लिया करते थे। जॉन और जेरेमी इस मामले में खुशकिस्मत साबित हुए कि उन्हें अच्छा खाना और आरामदेह बिस्तर मिल गए। डाकुओं ने भी उन्हें नहीं सताया क्योंकि टॉम जॉन का रिश्तेदार था और ये इलाका टॉम और उसके साथियों के असर में था। कई मंजिलें तय करके आखिरकार वो लंदन पहुंच गए। जॉन के ख्याल में लंदन बहुत भद्दा और गंदा शहर था और वहाँ के लोग बड़े गैर मुहज्जब थे। हाँ, उसे दुकानें बहुत पसंद आईं जिन पर बड़े बड़े खूबसूरत बोर्ड लगे हुए थे। वो वेस्टमिंस्टर एबी और वेस्टमिंस्टर हॉल में भी गया और उसने लंदन की दूसरी बहुत सी दिलचस्प चीज़ें देखीं। फिर भी लंदन में उसका जी नहीं लगता था। उसका जी चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके लंदन की इन भीड़भाड़ गलियों और शोरगुल से भागकर अपने पुरसकून घर पहुंच जाए, मगर जब तक पेशी ना हो वो वापस नहीं जा सकता था। इसी इंतज़ार में कई हफ्ते गुजर गए मगर पेशी थी कि होने में नहीं आती। यूँ मालूम होता था कि सरकार उसको बुलाकर भूल ही गई है। आखिर खुदा खुदा करके पेशी का दिन भी आ पहुँचा। उसे हुक्म मिला कि वो मशहूर जज जेफरे की अदालत में हाजिर हो। जॉन कमरा अदालत में दाखिल हुआ। ये जॉन की ज़िंदगी का पहला मौका था, अगरचे वो घबराया हुआ था लेकिन आदाब को नहीं भूला। उसने सर झुकाकर अदालत को सलाम किया। जज जेफरे ने उसे मुखातिब होकर कहा, तुम्हें डॉन के मुतालिक जो कुछ मालूम है वो साफ साफ बयान करो। जॉन ने हुक्म की तामील की और शुरू से आखिर तक सब कुछ कह डाला। फिर जज ने कहा, तुम जहाँ रहते हो क्या उसके आसपास ऐसे आदमी हैं जो बादशाह के खिलाफ हैं? मैं नहीं कह सकता, मगर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? जॉन ने जवाब दिया, मगर जज ने उसके सवाल का कोई जवाब ना दिया बल्कि उसके बजाय वो कहने लगा, तुम्हें डॉन लोगों से और उन आदमियों से जो बादशाह के खिलाफ हैं दूर दूर रहना चाहिए। उसके बाद जॉन को घर जाने की इजाज़त मिल गई। उसे घर से आए हुए दो महीने हो गए थे। उसने घर वालों के लिए चंद तोहफे खरीदे, जेरेमी को खुदा हाफिज कहा और घर रवाना हो गया। जब वो थका मांदा घर के अहाते में दाखिल हुआ तो उसकी माँ और बहनें उसे देखकर बहुत खुश हुईं। हमसाए और पड़ोसी उसे इस तरह देखते थे जैसे वो कोई अजीब चीज़ हो, क्योंकि वो लंदन से जो हो आया था। सफ़र की थकन दूर करके जॉन ने पहली फुर्सत में जो काम किया वो ये था कि डॉन की पहाड़ी पर पहुँचा। ऊपर पहुँचते ही उसने देखा कि सफ़ेद पत्थर कपड़े से ढका हुआ है। जॉन को यकीन हो गया कि लोरोना मुसीबत में है। वो बड़ी तेज़ी के साथ उसी खुफिया गार में पहुँच गया जो दूसरी मुलाकात के मौके पर लोरोना ने उसे दिखाया था। लोरोना उसको वहीं मिल गई। वो बड़ी गमगीन थी। जॉन को देखकर उसने अफसुर्दगी से कहा, दो महीने से ये कपड़ा इस पत्थर पर पड़ा हुआ है। जॉन ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपको इत्तला ना दे सका। मुझे अचानक लंदन जाना पड़ गया और वहाँ मुझे दो महीने लग गए।
लोरोना ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर वो उसकी तरफ झुक कर बोली, डॉन लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं कारवर से शादी कर लूँ, मगर मुझे ये मंजूर नहीं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे दादा अब्बा भी मुझे उसके लिए मजबूर नहीं करेंगे। फिर भी हर वक्त मेरी निगरानी होती है कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ। जॉन उसके लिए लंदन से मोतियों की एक अंगूठी लाया था, लेकिन लोरोना ने उसके पहनने से इनकार कर दिया और कहा, अगर मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी तुम मुझसे करते हो, तो मैं ये अंगूठी पहन लूँगी। जॉन के लंदन से आने के फौरन बाद ही फसल की कटाई का वक्त आ गया और वो उसमें मसरूफ हो गया। जब सब गल्ला कट गया तो फसल की कटाई की खुशी में पुल्लुवर्स बारूस के बावर्ची खाने में एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। फार्म के तमाम काम करने वाले बुलाए गए और रीड खानदान के अक्सर दोस्तों को भी दावत दी गई। मिसिज रीड ने गोश्त और मिठाई की प्लेटें पेश की, एनी ने मुख्तलिफ किस्म के फल और एलिजिया ने कॉफ़ी की सर्विस की। खाना खाने के बाद जब सब लोग बातें करने में लग गए तो जॉन और एनी बाहर निकल आए। एनी ने दबी जुबान में जॉन से कहा कि वो टॉम फेगस से शादी करना चाहती है, और जॉन ने लोरोना के मुतालिक सब कुछ बता दिया। चचा रियोबन हक्का बेग भी इस दावत में शामिल थे और अपने साथ अपनी पोती को भी लाए थे जिसका नाम जित्था था। रियोबन दावत के बाद भी फॉर्म में ठहरे रहे। उनका मामूल था कि वो हर रोज अकेले बाहर जाते। जिद को बड़ा ताज्जुब था कि वो कहाँ जाते हैं। वो डरती थी कि वो फिर कहीं किसी परेशानी में मुबतला ना हो जाए, इसलिए उसने एक नौकर से कहा कि जरा उनके पीछे पीछे जाए और देखे कि वो किधर जाते हैं। नौकर ने उनका ताकुब किया और वापस आकर रित को एक अजीबोगरीब किस्सा सुनाया। उसने बयान किया, मैंने हक्का बैग का दलदत तक पीछा किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो एक आदमी सफ़ेद टोपी पहने ज़मीन से बाहर निकला। उसको दलदल से इस तरह बरामद होता देखकर मैं डर गया और वापस भाग आया। नौकर की बात किसी की समझ में ना आई। कोई ना जान सका कि असल में नौकर ने क्या कहा। चंद दिन बाद चचा रियूबन और जित्था वापस चले गए तो लोग इस दलदल के सफ़ेद टोपी वाले आदमी का किस्सा ही भूल गए और ये राज ना खुल सका। जॉन अगरचे फार्म के कामों में बहुत मशगूल था, मगर लोरोना का ख्याल उसके दिल से नहीं जाता था। वो उसे दोबारा मिलना चाहता था। लोरोना ने उसे कहा था कि वो 2 महीने के बाद फिर उसे मिले, इसलिए जॉन दिन गिनता रहा। जब 2 महीने गुजर गए तो उसने डॉन वादी का आजम किया। मोतियों वाली अंगूठी, शिकार की हुई कुछ मछलियाँ और ताज़ा अंडे अपने साथ लिए और चार जानब से चौकन्ना बंजर जमीन की तरफ बढ़ने लगा। जब वो आबशार के ऊपर पहुँचा तो उसने अंडे और मछलियाँ पानी के पास रख दी ताकि वो ठंडे रहे। उसके बाद वो झाड़ियों में छुपकर लोरोना का इंतज़ार करने लगा। उसे छुपे हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सर ऊंचा करके देखा और एक भारी भरकम आदमी जो चमड़े की जैकेट और भद्दी सी पतलून पहने हुए था इस तरफ आ रहा था। उसके सर पर चुंबे वाली टोपी और हाथ में बंदूक थी। जॉन ने उसको पहचान लिया, वो कार्वर डॉन था। कार्वर की नज़र जब अंडे और मछली पर पड़ी तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और ये समझकर कि ग्रोह के किसी दूसरे आदमी ने ये चीज़ें बतौर तोहफा लोरोना के लिए रखी हुई हैं, उन्हें उठाया और लेकर चल दिया। जॉन को बड़ा गुस्सा आया, मगर वो कर ही क्या सकता था। वो काफ़ी अरसे तक इंतज़ार करता रहा, मगर लोरोना नहीं आई। आखिरकार वो भी नाउम्मीद होकर घर वापस चला आया। चंद दिन बाद जॉन को सफ़ेद पत्थर पर कपड़ा पड़ा नजर आया जो लोरोना की तरफ से बुलावे की अलामत था और खुद लोरोना के मुसीबत में होने का निशान। दूसरे दिन सुबह सवेरे जॉन पहाड़ी के ऊपर उसी चश्मे के करीब पहुँच गया। उसे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा क्योंकि लोरोना जल्द ही आ गई और उसे देखते ही कहने लगी, जॉन मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम आ गए, अब जल्दी से गार में चले चलो, तुम्हारा यहाँ ठहरना खतरनाक है। जॉन ने तामील की और वो दोनों गार में आ गए। लोरोना से मिलकर उसकी खुशी की कोई हद नहीं रही। उसने कहा, लोरोना मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें मुसीबत से निकालने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। जॉन मुझे वो अंगूठी पहना दो, मैंने सोच लिया है। जॉन ने अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। वो जब घर वापस आया तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे और उसको ये देखकर सख्त ताज्जुब हुआ कि टॉम फेगस भी उसकी माँ और बहनों के साथ नाश्ते पर मौजूद है। नाश्ते से फारिग होकर टॉम ने कहा, मैं आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि मैंने डाके से तोबा कर ली है और आइंदा शरीफाना ज़िंदगी बसर करूँगा। फिर वह जॉन की माँ से मुखातिब हुआ, मिसिज रिड अगर मंजूर करें तो मैं एनी से शादी की दरख्वास्त करता हूँ। मिसिज रिड की तो अपनी ख्वाहिश यही थी कि एनी की शादी टॉम से हो। खुद टॉम की ज़ुबानी शादी का पैगाम सुनकर वो और भी खुश हो गई। उसके बाद जॉन ने लोरोना के मुतालिक बताया तो उनकी खुशी दुगनी हो गई और उनकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकला, खुदा करे तुम सब हमेशा खुशोखुरम रहो। नवंबर के शुरू में जेरेमी अचानक पुल्लुवर्स बारूस के फार्म में दाखिल हुआ तो रिड खानदान को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर जेरेमी ने किसी ताज्जुब के इजहार का मौका नहीं दिया।
और बिला किसी तमहीद के कहने लगा, मैं आप लोगों से कुछ दिनों तक पुलुवर्स बारूज में रहने की इजाज़त चाहता हूँ। उसने एक निगाह लोगों पर डालते हुए कहा, बहुत से लोग हमारे बादशाह के मुखालिफ हैं और नया बादशाह बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो कुछ गड़बड़ करें। मैं उन पर निगाह रखूंगा और उन्हें अमन में खलल अंदाज ना होने दूंगा। मिसिज रीड ने बड़ी खुशी से जेरेमी को ठहरने की इजाज़त दे दी और वो रोजाना तन्हा अपने खुफिया सफर पर जाता रहा। एक दिन जब जेरेमी बाहर गया हुआ था और जॉन फार्म के मुल्हिका मकान के करीब बाड़ की झाड़ियों की शाख साफ कर रहा था, तो उसने आदमियों को देखा जो बाड़ के दूसरी तरफ आकर खड़े हो गए। वो सबके सब बंदूकें लिए हुए थे। जॉन ऐसी जगह खड़ा था कि वो जॉन को ना देख सकते थे, मगर जॉन उनकी गुफ्तगु बखूबी सुन सकता था। तीनों आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। जॉन को जल्द ही मालूम हो गया कि वो जेरेमी के इंतजार में है और इस इरादे से खड़े हैं कि जैसे ही वो वापस आए उसे मार डाले। उन तीनों में कार्वर डॉन भी था, जिसे जॉन ने पहचान लिया था। जेरेमी की जान बचाना जॉन का इखलाकी फर्ज था और उसके लिए एक ही रास्ता था कि जितनी जल्दी हो सके जेरेमी को ये इतला दे दे कि उस वक्त तक वो वापस ना आए जब तक के डॉन वहां से चले ना जाए। जॉन ने जेरेमी को रास्ते में जा लिया और उसे सारी बात बता दी। जेरेमी ने बहुत शुक्रिया अदा किया और जॉन को तसल्ली देते हुए कहा, हम बहुत जल्द डॉन लोगों को सजा देंगे। आदमियों के जमा होते ही हम उनको वादी से निकाल बाहर करेंगे। इस अरसे में जॉन को लोरोना का ख्याल बहुत परेशान करता रहा। वो कई बार उस चश्मे पर गया मगर लोरोना नहीं मिली। आखिर एक रात वो अपने आप को खतरे में डालकर वादी में पत्थरों के मकान तक गया। बड़ी एहतियात से चारों तरफ देखता भालता वो आबादी के अंदर दाखिल हुआ। लोरोना ने उसे जो तफसील बताई थी, इससे उसने अंदाजा लगा लिया कि कार्वर का घर कौन सा हो सकता है। अब वो घर के बिल्कुल नजदीक था। खुशकिस्मती से किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। एक मकान की खिड़कियों से काफी रोशनी बाहर आ रही थी। उससे जॉन ने अंदाजा लगाया कि गिरोह के तमाम अफराद इसी में जमा होकर कोई सलाह मशवरा कर रहे होंगे। पूरे गांव को अच्छी तरह देखभाल कर जॉन सिर्फ इस ख्याल से वापस आ गया कि दोबारा वो अच्छी तरह तैयार होकर आएगा और लोरोना का पता चलाने की कोशिश करेगा। चुनाचे 2-3 दिन के बाद वो दोबारा वादी की तरफ रवाना हुआ। इस मरतबा आबशार की तरफ से जाने की बजाय उसने वादी के दूसरी तरफ असल रास्ते से जाने का फैसला किया। उस रास्ते से जाना खतरनाक था, मगर वो बगैर किसी रोक टोक के गरूब आफ्ताब के वक्त वहां पहुंच गया। गांव में 3 फाटक बने हुए थे, जिन पर शाहबलूत के दरख्त का एक बड़ा भारी भरकम सा तना लटका हुआ था, ताकि कोई दुश्मन अंदर दाखिल होने का इरादा करे तो उसे उसके ऊपर गिराकर उसका खात्मा कर दिया जाए। जॉन चुपके से बीच के दरवाजे में से गुजरकर गांव में दाखिल हो गया और उसे कोई भी नहीं देख सका। जब वो घरों के नजदीक पहुंचा तो उसने किसी को नजदीक ही सीटी बजाते सुना। जॉन ने कोशिश की कि सीटी का तर्ज उसे याद रहे, जिसमें वो कामयाब हो गया। जल्द ही उसे एक मकान नजर आया जो दूसरे मकानों से ज्यादा शानदार था। जॉन को यकीन हो गया कि हो ना हो यही मकान लोरोना का घर हो सकता है। खिड़की के नजदीक पहुंचकर उसने आहिस्ता से आवाज दी, मगर अंदर से जवाब आने की बजाय दूसरी तरफ से एक आवाज आई, कौन हो तुम, बोलो वरना मैं गोली मार दूंगा। जॉन घबरा गया, लेकिन यकायक उसे एक बात सूझ गई और उसने उसी तर्ज में सीटी बजाना शुरू कर दी जिसे अभी थोड़ी देर कबल उसने सुना था। उस सीटी ने जादू का काम किया। उस आदमी ने जो पास ही चांदनी में खड़ा था अपनी बंदूक की नाली झुका ली और उसे सलूट किया। हुआ यूं कि सीटी बजाने का मखसूस तर्ज का दौर डॉन का था। उस पहरेदार ने जॉन को कार्वर समझा और सल्यूट करके वहां से हट गया। जॉन ने फिर आहिस्ता आहिस्ता पुकारना शुरू कर दिया। आखिर उसकी आवाज़ लोरोना के कान में पड़ ही गई और वो खिड़की के करीब आई। जॉन को वहां देखा तो चुपके से कहने लगी, क्या तुम वाकई पागल हो गए हो जॉन, जो यहां चले आए हो? मुझे ये देखना था कि तुम किसी परेशानी में तो नहीं हो, उसने जवाब दिया। और अचानक उसकी निगाह उठी तो उसने लोरोना की खिड़की के ऊपर लोहे की सलाखें लगी हुई देखी। उसने सवाल किया, ये लोहे की सलाखें क्यों लगाई गई हैं? लोरोना ने बताया, मेरे दादा बहुत बीमार हैं। इन लोगों को यकीन है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। डॉन इस कोशिश में है कि उनके मरते ही कार्वर से मेरी शादी कर दे, और ये सलाखें इसलिए लगाई गई हैं कि कहीं मैं शादी से पहले भाग ना जाऊं। जॉन लोरोना के हाल पर अफसोस करता हुआ अपने फार्म में वापस आ गया। उसे और लोरोना को यकीन था कि अगर बुढ़ा इन सर मर गया तो कोई उसे कार्वर के पंजे से नहीं बचा सकेगा। चंद दिन बाद गोइनी फार्म में एक पैगाम लाई कि सर आंसर क्रीबुल मर्ग हैं और मरने से पहले जॉन से मिलना चाहता है। जॉन को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन खतरे के एहसास के बावजूद वो फौरन डॉन की वादी को रवाना हो गया। सरान सर डॉन एक अंधेरे एक सर्द कमरे में था, जहां सिर्फ 2 मोमबत्तियां जल रही थी। वो एक सुर्ख रंग का चोगा कांधों पर डाले हुए था।
उसकी आंखें धुंसी हुई और स्याह थीं, चेहरा बहुत सता हुआ था। जॉन को उससे बड़ा खौफ मालूम हुआ, हालांकि वो किसी डॉन से कभी नहीं डरा, यहाँ तक के कारवर से भी नहीं। सरानसर ने पूछा, तुम हो जॉन रेड? जी हाँ, मेरा ही नाम है, जॉन ने अदब से जवाब दिया। तुम्हें लोरोना से शादी करने का ख्याल कैसे आया? तुम उसके काबिल नहीं हो और अब तुम्हें उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम लोरोना से नहीं मिलोगे। मगर जॉन ने वादा करने से इनकार कर दिया। इतने में लोरोना खुद वहां आ गई और उन दोनों ने बड़े मियाँ को बताया कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जॉन ने ऐसी जुरत और सलीके से गुफ्तगू की कि बूढ़े डॉन का दिल पसीज गया। वो चाहता था कि लोरोना खुश रहे और जब उसने देखा कि वो जॉन के बगैर खुश नहीं रह सकती तो उसे जॉन और लोरोना की शादी पर रजामंद होना ही पड़ा। कुछ देर ठहर कर उसने हीरों का एक हार निकाला जिसे लोरोना और जॉन दोनों ने कांच का हार समझा। वो लोरोना से कहने लगा, ये लो, इसे जॉन को दे दो और ताकीद कर दो कि उसे एहतियात से रखे। मैंने तुम्हारे इस हार की उस वक्त से हिफाजत की है जब तुम नन्नी मुन्नी सी थी। इसके अलावा उसने कोई और बात नहीं की और खामोश हो गया। जॉन भी लोरोना से रुखसत होकर चला आया। उसके बाद जल्द ही सरानसर डॉन का इंतकाल हो गया। जिस दिन सरानसर डॉन को दफन किया गया उसके दूसरे ही दिन से जोरों की सर्दी पड़ने लगी। तेज हवा चलने और बर्फ पड़ने की वजह से जमीन लोहे जैसी सख्त हो गई। एक बुढ़े चरवाहे ने उन्हें बताया कि जोरों की बर्फ पड़ने वाली है जिससे बहुत सी भेड़ों के मर जाने का खदशा है। एक सुबह जॉन बहुत जल्दी बिस्तर से उठ गया। उसने देखा कि हर चीज बर्फ के नीचे दब गई है। जॉन और फार्म के तीन आदमी फौरन भेड़ों की तलाश में निकले। जब वो बाड़े में पहुंचे तो वहां उन्हें एक भेड़ भी दिखाई न दी, वो सब बर्फ में दब गई थी। जॉन और उसके आदमियों ने उन्हें बेलचों के जरिए खोदकर बर्फ के नीचे से निकालना शुरू कर दिया। दो दो करके 60 भेड़े निकाल ली, फिर भी चंद भेड़े मर गईं। तीन दिन और तीन रात तक मुसलसल बर्फ पड़ती रही। जॉन को ये फिक्र खाते जा रही थी कि ना जाने लोरोना किस हाल में है। उसने बर्फ पर चलने के लिए जूते तैयार किए और अंधेरा होते ही डॉन की वादी की तरफ रवाना हो गया, मगर इस एहतियात के साथ कि कोई उसे देख ना ले। उसने लोरोना के घर का दरवाजा खटखटाया और गोइनी ने दरवाजा खोला। जॉन ने देखा कि भूख और सर्दी की वजह से लोरोना निढाल पड़ी थी। उसने कहा, लोरोना, मेरे पास डबल रोटी है, मैं तुम्हारे लिए कीमा भरे समोसे भी लाया हूँ, लो तुम दोनों थोड़ा बहुत खा लो। जब वो खाना खा चुकी तो जॉन ने पूछा, तुम्हें खाने को क्यों नहीं दिया गया? लोरोना ने जवाब दिया, हम लोगों का खाना उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक कि मैं कारवर से शादी का वादा ना कर लूं। जॉन एक लम्हा खामोश रहा, फिर उसने कहा, अगर मैं तुमसे वादा करूं कि सफर में हर तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलने पर रजामंद हो जाओगी? लोरोना ने हामी भर ली और कहा, आज डॉन लोगों के यहाँ एक बड़ी दावत है। कारवर का बाप कौंसलर उनका नया सरदार मुकर्रर हुआ है। मौका गनीमत है क्योंकि इस वक्त सब खा पी रहे हैं। लोरोना ने खिड़की से एक बड़े से अलाव की तरफ इशारा किया जिसके चारों तरफ डॉन जमा थे। उसने कहा, आज वो इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें हमारी खबर भी नहीं होगी। जॉन उसके जवाब में उठ खड़ा हुआ और कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें ले जाने का इंतजाम करने जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल तैयार रहना। फिर जॉन बड़ी तेजी के साथ अपने फार्म में वापिस आ गया। उसने फैसला किया कि लोरोना और गोइनी को बर्फ गाड़ी में बिठा कर आबशार के जमे हुए पानी पर से ले आएगा। ये सोचकर उसने बर्फ गाड़ी में रस्सी बांधी, कुछ गर्म कपड़े और दूसरा जरूरी सामान लिया और बर्फ पर चलने वाले जूते पहनकर बर्फ गाड़ी खींचते हुए, चांदनी छिटकी हुई थी और सख्त सर्दी पड़ रही थी, जहां बर्फ गाड़ी को खींचकर आबशार के ऊपर ले आया और उसे वहां बांध दिया। फिर वो लंबे लंबे डिग भरता हुआ लोरोना के घर की तरफ चल दिया। नौजवान डॉन अब तक अलाव के पास बैठे थे और बूढ़े आदमी घरों में दाखिल हो चुके थे, इसलिए किसी ने उसे नहीं देखा। उसने लोरोना का दरवाजा खटखटाया तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो अंदर पहुंच गया और उसने देखा कि दो डॉन लोरोना के घर में हैं और उसे और गोइनी को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोरोना कमरे के कोने में कुर्सी के पीछे खड़ी थी, उसे एक आदमी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गोइनी फर्श पर पड़ी हुई थी और दूसरे आदमी की टांग में लटकी हुई थी ताकि वो उसे ठोकर ना मार सके। जॉन इतना मजबूत और ताकतवर था कि उनसे निपट सकता था, उसने उन्हें खबर भी नहीं होने दी। पीछे से जाकर एक आदमी को उठा लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, दूसरे को उठाकर बाहर ले गया और बर्फ में घुसेड़ दिया। फिर जॉन ने कहा, हमें जल्दी करना चाहिए, ये लोग बहुत जल्द दूसरों से जाकर कह देंगे और फिर हमारा बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। एक लम्हा जाया किए बगैर उसने लोरोना को उठाया और उसे बर्फ गाड़ी तक ले आया। गोइनी उनके पीछे पीछे थी। जॉन ने उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर पॉलीथीन का चोगा उड़ा दिया। अब उसने जमे हुए आबशार से गाड़ी को खींचना शुरू किया। लोरोना को जरा भी खौफ महसूस नहीं हुआ,
क्योंकि उसे यकीन था कि जॉन अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करेगा। मगर गोइनी की खौफ के मारे तो घिग्गी बन रही थी। वो कई बार चीखी। जॉन अपनी लाठी बर्फ पर गाड़ गाड़ कर बर्फ गाड़ी की रफ्तार को मुनासिब रखने की कोशिश भी कर रहा था। बहुत जल्द वो नीचे पहुंच गए। अब वो तालाब पीछे छोड़ आए थे और चरागाहों में होते हुए फार्म की तरफ बढ़ रहे थे। लोरोना सर्दी के मारे अकड़ गई थी और उसे हरकत करना मुश्किल था। एक घंटे के सफर के बाद उन्होंने कुत्तों की आवाज सुनी, जो उनके पुल्लुवर्स बारूज आने की खुशी में फार्म के बाड़े में भौंक रहे थे। दरवाजा खुला था और दरवाजे में मिसेज रीड, एनी और एलिजे माँ आए नौकर के खड़ी हुई थी। लोरोना को अंदर सोफे पर बिठा दिया गया। सामने आतिशदान में आग जल रही थी। गोइनी को सर्दी और भूख सता रही थी, इसीलिए जॉन उसे बावर्ची खाने में ले गया और एक बड़ी सी रकाबी में बहुत सा गोश्त और कुछ समोसे उसके सामने रख दिए। लोरोना की तबीयत जब कुछ बहाल हुई तो वो उठकर जॉन की माँ के पास आई। जॉन की माँ ने उसे प्यार किया और कहा, बेटी तुम्हें इस घर में देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है कि बयान नहीं कर सकती। लोरोना फार्म में हंसी खुशी रहने लगी। जॉन को ये देखकर बड़ी खुशी होती कि उसकी माँ और लोरोना एक दूसरे को बहुत पसंद करती हैं। लोरोना हमेशा काम में हाथ बटाती, खसूसन बावर्ची खाने के काम में से तो उसे बहुत दिलचस्पी थी। बावर्ची खाने में लटके हुए गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े उसे बहुत भाते। आग की गर्मी और पकते हुए खानों की खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती। जॉन को मालूम था कि डॉन लोरोना को फार्म से ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे ये भी यकीन था कि जब तक बर्फ़ नहीं पिघलेगी उस वक्त तक वो नहीं आ सकेंगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए तो उसे उनकी तरफ से इत्मीनान था। सर्दी गई और मौसम बहार का आगाज हुआ। बर्फ पिघलने लगी और गर्मी कदरे बढ़ गई, मगर अभी तक डॉन लोगों ने कोई हरकत नहीं की। देखने में हालात पुरअमन ही लगते थे। एक दिन टॉम फार्म में आया और उसने बताया, मैंने कुछ ज़मीन खरीदी है और अब मैं खेतीबाड़ी शुरू करने वाला हूँ। फिर उसने फार्म के मकान में खाना खाया और इधर उधर टहलने लगा। लोरोना उस वक्त वो हार पहने हुए थी जो उसके दादा ने उसे दिया था। टॉम ने इस हार को देखा तो कहा, ये हार शीशे का नहीं है, हीरों का है। इस पर एक आम ख्याल ये हुआ कि डॉन लोगों ने किसी अमीर आदमी से छीन लिया होगा, और यह ख्याल भी नहीं था कि हकीकतन हार कुछ इस तरह हासिल किया गया था। दूसरे दिन टॉम वापस चला गया। उसे वापस हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि जेरेमी घोड़े पर सवार नमूदार हुआ। वो सर से पांव तक कीचड़ में लुथड़ा हुआ था। उसने बताया, डॉन के तीन आदमियों ने मेरा पीछा किया था, मुझ पर गोलियां चलाई। उन्होंने तो करीब करीब मुझे मार ही डाला था, मगर मैं बच गया। वो डॉन लोगों से लड़ने के लिए सिपाही इकट्ठे कर रहा था, मगर अब तक उसे कोई खास कामयाबी नहीं हुई थी। एक लम्हा दम लेकर उसने जॉन से कहा, तुम अपने जितने दोस्त जमा कर सकते हो कर लो, क्योंकि डॉन बहुत जल्द फार्म पर हमला करने वाले हैं। उनका इरादा है कि वो मुझे और तुम्हें मार डालें और लोरोना को वापस ले जाएं। जॉन उसी वक्त अपने मददगारों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। शाम को लोरोना बाग में आई और चश्मे के पास टहलने लगी। वो बतखों को इधर उधर तैरते हुए देख रही थी कि यकायक उसकी नज़र ऊपर उठ गई। उसने देखा कि चश्मे के उस किनारे पर कार्वर डॉन खड़ा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। लोरोना इस कदर खौफजदा हो गई कि वह अपनी जगह से हिल ना सकी। कार्वर ने अपनी बंदूक उठाई और उसके दिल का निशाना लिया। फिर उसने आहिस्ता से उसे नीचा करके जमीन पर फायर कर दिया और लोरोना पर नजरें गाड़कर बुलंद आवाज से कहा, कल तुम हमारे पास पहुंच जाओगी। ये कहकर वो चला गया। जॉन और उसके साथियों ने मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली थी। मिसिज रीड और लड़कियां तो सोने के कमरे में चली गई और मर्द मतवक्का हमले के मुकाबले के लिए तैयार थे। गोइनी, जो पेड़ पर चढ़ना जानती थी, एक लंबे से पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई, जहां से वो दूर तक देख सकती थी। जल्द ही उसे कुछ घुड़सवार दिखाई दिए जो सड़क पर चलते हुए घर की तरफ आ रहे थे। गोइनी फौरन ही दरख्त से उतर आई और जॉन की तरफ दौड़ पड़ी। वो चीख रही थी, डॉन आ रहे हैं, वो तकरीबन 10 आदमी हैं। 10 सवार फाटक से दाखिल होकर फार्म के अहाते के सहन में आ गए। सबसे पहले उन्होंने अस्तबल के दरवाजे खोले और घोड़ों को बाहर भगा दिया। फिर उन्होंने अपने घोड़ों को उनकी जगह खड़ा कर दिया। घर में बिल्कुल खामोशी थी। डॉन लोगों को कोई आदमी भी दिखाई नहीं दिया। कार्वर चीखा, सब औरतों को बाहर निकाल लाओ और देखो, लोरोना को कोई ना सताए, वो मेरी है। बाकी सब आदमियों को मार डालो और पूरे फार्म में आग लगा दो। जॉन ने जब ये सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया, मगर वो मसलहतन चुप खड़ा रहा और मौके का इंतजार करता रहा। फिर कार्वर के 2 आदमी हाथ में जलती हुई मशालें लिए इस तरफ आए जहां जॉन खड़ा था। उसका इरादा भूसे के ढेरों पर आग लगाने का था। जॉन और उसके साथी अंधेरे में खड़े थे, इसलिए वो उन्हें देख नहीं सके। अचानक जॉन उन पर झपट पड़ा। उसने अपनी लाठी से एक आदमी का बाजू तोड़ दिया और दूसरे को नीचे गिरा दिया। एन उसी वक्त जेरेमी ने अपने आदमियों को फायर करने का हुक्म दिया, जिससे 2 डॉन गिर पड़े।
अब जॉन सेहन से होता हुआ कार्वर डॉन की तरफ बढ़ा और उसकी दाढ़ी पकड़कर झटका देते हुए कहा, तुम बदमाश हो। कार्वर पर बेखबरी में हमला हुआ था। उसने अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, मगर जॉन ने कार्वर की टांग पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। दूसरे हमलावरों ने जब देखा कि उनका सरदार भी गिर गया है, तो वो भाग खड़े हुए। कार्वर भी जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और एक तरफ भागने लगा। दो डॉन मारे गए और दो गिरफ्तार कर लिए गए। छह घोड़े जॉन के साथियों के हाथ आए और बाकी बच निकलने में कामयाब हो गए। चंद हफ्ते बाद एक रोज जब जॉन घर वापस आया, तो उसने देखा कि घर में कार्वर डॉन का बाप काउंसलर डॉन बैठा हुआ है। वो बड़े तमीज के साथ मिसिज रीड से पेश आ रहा था और ताजीमो तकरीम के साथ नहायत नरमी से बातें कर रहा था। वो कह रहा था, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर लोरोना और जॉन की शादी हो जाए। मैंने जो तकलीफ उन्हें पहुंचाई है, उसका मुझे अफसोस है। लेकिन कबल इसके कि वो शादी कर लें, मुझे आपको ये बता देना चाहिए कि जिस शख्स ने रिट को मारा था, वो लोरोना का बाप था। ये सुनकर जॉन का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि आपकी बात सच्ची है। आप मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तहम अगर ये सही भी हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर हाल में लोरोना से शादी करूंगा। फिर जॉन काउंसलर को बावर्ची खाने में ले गया। वहां उसने काउंसलर की सिगरेट और कॉफी से तवाज़े की। उसकी समझ में नहीं आता था कि काउंसलर की बात का यकीन करे या ना करे। अब रात इतनी ज्यादा हो गई थी कि काउंसलर को घर जाना मुश्किल था, इसलिए जॉन ने उसे ठहर जाने को कहा और उसके लिए कमरे में बिस्तर का इंतजाम कर दिया। कुछ देर बाद जब सब सो गए, तो काउंसलर उठकर उसकी कमरे की तरफ चला जहाँ लोरोना सो रही थी। उसने लोरोना का हीरे का हार तलाश करना शुरू किया, मगर वो उसे नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह को काउंसलर एनी के साथ उस कमरे में गया जहाँ दूध रखा जाता था। वहाँ उसने उससे बड़ी मीठी मीठी बातें की और कहने लगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बलाई कैसे बनाती हो। उसने बलाई रखने वाले बर्तनों को देखा और कहा, मुझे एक जादू आता है जिससे बलाई गाढ़ी हो जाती है और अच्छी बनती है। तुम एक शीशे के मोतियों का हार लाओ और उसको इन बर्तनों के ऊपर से गुजारो। बेचारी एनी ने उसके कहने को सच समझकर कहा, मेरे पास एक मूंगे का हार है, उसको मैं ले आती हूँ। इस पर काउंसलर बोला, नहीं, ये जरूरी है कि हार के मोती सादा शीशे के हों। एनी ने कहा, हाँ खूब याद आया, लोरोना का हार बिल्कुल ऐसा ही है। काउंसलर अपनी खुशी को छुपाते हुए बोला, ठीक है, जितनी जल्दी मुमकिन हो ले आओ और देखना किसी को बताना नहीं, वरना जादू का असर जाता रहेगा। एनी जब लोरोना का हीरे का हार लेकर वापस आई, तो काउंसलर ने उसे बलाई के बर्तनों पर से गुजारा और कुछ अजीबोगरीब अल्फाज पड़े। एनी खौफजदा हो गई, क्योंकि उसके ख्याल में ये किसी किस्म का जादू था। काउंसलर ने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर आहिस्ता से कहा, देखो, अब इस हार को एक दिन और एक रात के लिए इसी मकाम पर पड़ा रहने दो। तुम अपने कमरे में चली जाओ और 3 घंटे बाद इसे आकर देख लेना। एनी का ख्याल था कि हार शीशे का है, इसलिए जो कुछ उससे कहा गया था उसने उस पर अमल किया। मगर जैसे ही वो वहां से हटी, काउंसलर ने हार उठाया और तेजी से अपनी वादी की तरफ रवाना हो गया। जब जॉन को पता चला, वो बहुत गजबनाक हुआ और बेवकूफ एनी पर बहुत नाराज हुआ, मगर तीर कमान से निकल चुका था। कई रोज के वक्फे के बाद एक रात जेरेमी फार्म आया। वो कोई लंबा सफर करके आ रहा था। उसने जॉन से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये एक कहानी है जिसे सुनकर तुम पर बहुत से भेद खुल जाएंगे। और जवाब का इंतजार किए बगैर वो बयान करने लगा, पिछले हफ्ते इटली की एक औरत से मेरी मुलाकात हुई जिसका नाम बेनीटा है। एक अरसा हुआ वो एक खातून और उसके 2 बच्चों के साथ इंग्लिस्तान आई थी। ये खातून एक अंग्रेज लॉर्ड की बीवी थी जिसका इटली में इंतकाल हो गया था। जब वो घर जा रही थी, तो डॉन लोगों ने उस पर हमला किया और उसकी छोटी बच्ची को पकड़कर ले गए, जो अपने गले में खूबसूरत हीरे का हार पहने हुए थी। खातून माँ आज छोटे बच्चे के मर गई और बेनीटा ने एक सराय में काम करना शुरू कर दिया और अब वहीं उसकी रहायश है। जेरेमी की बात सुनकर वही पुराना भुला हुआ मंजर जॉन की आंखों के सामने आ गया। जब जॉन अपने बाप के कत्ल के बाद स्कूल से घर आ रहा था और सराय के पंप पर एक गैर मुल्की नौकरानी से मिली थी और बाद में एक खूबसूरत बग्घी में एक मोजिज खातून, 2 बच्चियां और वही नौकरानी बैठे थे। जॉन ने खातून को सलाम किया, जिसका उसने जवाब भी दिया। उस खूबसूरत बच्ची की तस्वीर भी उसकी आंखों के सामने फिरने लगी, जिसको उसने एक डॉन सवार की जीन पर देखा था। लोरोना को देखकर वो अक्सर सोचा करता था कि वो उसको पहले से जानता है, मगर उसको याद नहीं आता था कि कैसे जानता है। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि लोरोना ही वो लड़की है, लेकिन जेरेमी ने उसे मना कर दिया कि वो अभी लोरोना को कुछ ना बताए। उसने कहा, सबसे पहले हमें डॉन लोगों को ठिकाने लगाना है। मेरे पास 100 सिपाही जमा हो गए हैं, हमको वादी पर हमला कर देना चाहिए। दोनों ने हमला करने के मंसूबे के बारे में थोड़ी देर बाहम मशवरा किया
और सिपाहियों को लेकर डोन की वादी की तरफ रवाना हो गए। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को तीन पार्टियों में तकसीम कर लिया। जॉन वाली पार्टी ने हमले का आगाज किया, मगर जब उन्होंने चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश की तो डोन लोगों ने बंदूकें दाग दी, जिनसे बहुत से सिपाही मर गए। अब हमलावरों ने सदर फाटक का रुख किया, मगर दोनों ने शाहबलूत का वो बड़ा दरख्त नीचे गिरा दिया जो फाटक पर टंगा हुआ था, जिससे जिरीमी और दूसरे बहुत से लोग जख्मी हो गए। जॉन ने जब ये मामला देखा तो वो भागता हुआ आया और उसने डोनों की एक तोप अपने दोनों हाथों पर उठा ली और पूरी कुव्वत से उस भारी बंद फाटक पर दे मारी, जिससे दरवाजा टूट गया। मगर हालात के तहत अब डोनों से लड़ाई जारी ना रखी जा सकती थी, इसलिए जॉन माँ अपने साथियों के पीछे हटाया और जख्मियों की मरहम पट्टी करने में लग गया। जिरीमी बुरी तरह जख्मी था। जॉन ने पूरी तवज्जो से उसके जख्म धोकर पट्टियां बांधी और दूसरे हमले की तैयारी करने लगा। अपनी वादी की हिफाजत करने के लिए बहुत से और डोन भी आ गए। उन सब ने मिलकर हमला किया और जिरीमी के सिपाहियों को मार भगाया। तमाम सिपाही मैदान छोड़कर फार्म में वापस आ गए। फार्म में जिरीमी और दूसरे जख्मी सिपाहियों की देखभाल की गई। जिरीमी की तबीयत बहुत खराब थी, लिहाजा जॉन बड़ी मुस्तैदी से उसकी तीमारदारी करने लगा। बाकी तमाम सिपाही फार्म में ठहर गए। ख्याल था कि कहीं डॉन लोग उन पर हमला करने की कोशिश न करें, इसलिए सब लोग हर वक्त चुकन्ना रहते। उनका ये अंदेशा बेबुनियाद साबित हुआ। डॉन किसी हमले की हिम्मत ना कर सके और फार्म की जिंदगी मजे में गुजरती रहे। लेकिन जॉन के लिए अब एक और परेशानी पैदा हो गई, वो ये कि उसकी माँ और लोरोना में पहली सी मोहब्बत नहीं रही। मिसिज रीड काउंसलर के ये अल्फाज भूल ना सकी कि मिस्टर रीड को लोरोना के बाप ने कत्ल किया था और जॉन अपनी मसलहत की बिना पर उन्हें बता नहीं सकता था कि लोरोना का बाप डॉन नहीं कोई और है। फिर एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दो आदमी फार्म में आए जिनके जिस्मों पर चीथड़े लटके हुए थे और वो पैदल थे, क्योंकि डॉन लोगों ने उनके घोड़े और सामान छीन लिया था। वो लोरोना के लिए खत लाए थे जिसमें लिखा था कि वो लंदन चली आए। जॉन ने उनसे खत लेकर पढ़ा तो उसको रंज भी हुआ और खुशी भी। रंज इसलिए कि लोरोना उससे जुदा हो रही थी, खुशी इसलिए कि उसकी लोरोना इज्जत और दौलत के आला मर्तबे पर फायज होने जा रही थी। अगरचे अब तक उसने लोरोना से उसकी सही हैसियत को छुपाया था, मगर अब वक्त आ गया था कि उसे सब कुछ बता दिया जाए। लोरोना बाग में फूल चुन रही थी कि जॉन मुस्कुराता हुआ करीब पहुंचा और उसको मुखातिब करके कहने लगा, लोरोना मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। लोरोना ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ निगाह उठाई और उसने कहा, तुम डोन खानदान से नहीं हो? जब तुम छोटी थी तो डोनों ने तुम्हें तुम्हारी माँ से छीन लिया था। लंदन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये जानते हैं कि तुम्हारे माँ बाप कौन थे। तुम्हें उन्हीं लोगों से मिलने के लिए लंदन जाना है। ये सुनकर लोरोना को हैरत भी हुई और खुशी भी। फिर उसने सवाल किया, फिर डॉन मुझे अपने यहाँ क्यों रखना चाहते थे? जॉन ने जवाब दिया, ताकि वो कार्वर से तुम्हारी शादी कर दे और कार्वर तुम्हारी सारी दौलत का मालिक हो जाए, क्योंकि तुम बहुत अमीर हो। अपने दौलतमंद होने की खबर से ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि डॉन खानदान से उसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो हमेशा डॉन खानदान में पैदा होने से कुड़ती रहती थी। जॉन ने फिर उसी गैर मुल्की नौकरानी बेनीटा से मजीद बातचीत करने का फैसला किया। चुनाचे वो दूसरे ही दिन घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच गया। बेनीटा ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम तो वही लड़के हो जिससे मैंने सराय में झील से पानी निकालने को कहा था। अगर जिस बात को हुए एक मुद्दत गुजर गई थी, लेकिन नौकरानी ने उसे पहचान ही लिया। जॉन और बेनीटा बड़ी देर तक लोरोना के खानदान के मुतालिक बातचीत करते रहे। बेनीटा ने बताया कि यह खानदान इटली से इंग्लिस्तान आया था। लोरोना का बाप डोगाल बड़ा अमीर आदमी था। जॉन ने कहा, तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, लोरोना तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। बेनीटा बड़ी खुशी से तैयार हो गई और वो दोनों फार्म की गाड़ी में बैठकर पुलोवर्स बारूज रवाना हुए। लोरोना उन्हें फार्म के फाटक पर ही मिल गई। उस वक्त वो मौसम गर्मा का सफ़ेद लिबास पहने हुए थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। पहले तो वो बेनीटा को ना पहचान सकी, लेकिन जब बेनीटा ने गाड़ी में से कुछ भूसा लोरोना की तरफ फेंका और इटली की जुबान में कुछ कहा तो लोरोना को वो खेल याद आ गया जो एक मुद्दत हुई वो दोनों खेला करती थी। लोरोना बेसाख्ता मेरी बेनीटा कहकर उससे लिपट गई। अब हर शख्स को यकीन हो गया कि वाकई लोरोना एक मोजिस खानदान की बेटी है। उसी अरसे में एनी के मंगेतर टॉम की तरफ से शादी के लिए इसरार बढ़ता जा रहा था, मगर मिसिज रीड अभी कुछ अरसा और उसे मुलतवी रखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं टॉम खेतीबाड़ी की मेहनत से घबरा कर दोबारा वही लूटमार का पेशा इख्तियार न करे। मगर टॉम ने बड़ी मेहनत की जिससे उसकी खेतीबाड़ी बहुत अच्छी हुई। इससे मिसिज रीड को इत्मीनान हो गया और वह शादी के लिए रजामंद हो गई। शादी के लिबास में एनी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। हर शख्स इस शादी में शरीक हुआ और सबने एनी को तोहफे दिए। तमाम पड़ोसी जिरीमी और सिपाही
जो फार्म में थे सबके सब इस खुशी की तकरीब में शरीक हुए। एनी की शादी की तैयारियों के दौरान एक दिन चचा जान रूबन की दुकान पर गया। वो एनी के लिए कोई तोहफा लेना चाहता था। दुकान की हालत बड़ी खस्ता और अबतर थी और चचा रूबन कुछ थके थके से दिखाई दे रहे थे। जॉन ने पूछा, चचा आप दुकान की ठीक से देखभाल क्यों नहीं करते और रात को कहाँ गायब हो जाते हैं? रूबन ने उसके जवाब में जॉन की तरफ बगौर देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, अगर तुम वादा करो कि ये राज किसी पर जाहिर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहाँ जाता हूँ। जॉन ने वादा कर लिया। दोनों घोड़ों पर सवार होकर वीराने की तरफ निकल गए और उसे पार करके उस दलदल के करीब पहुंचे जहाँ एक दफा नौकर ने सफेद टोपी वाला आदमी देखा था। रूबन ने इधर उधर देखा और जब देखा कि कोई नहीं देख रहा तो वो तेज तेज कदम उठाते हुए बड़े सुराख के पास पहुंच गए जो जमीन में बना हुआ था। इस सुराख के ऊपर एक ढकना लगा हुआ था। जॉन ने ढकना उठाया और दोनों एक बड़े से डोल में बैठकर नीचे उतर गए जो रस्सी और चरखी से चलता था। नीचे तारीक रास्ते थे जो एक ऐसी जगह पहुंचते थे जहां एक बड़ी सी मशीन पर बहुत से आदमी काम कर रहे थे। ये काम एक शख्स साइमन की निगरानी में हो रहा था। रूबन ने कहा, हम यहाँ सोने की खुदाई करते हैं। हमने इसको इसलिए पोशीदा रखा है कि सरकारी इजाजत के बगैर कोई शख्स सोने की खुदाई नहीं कर सकता। ये मशीन पत्थर पीसती है और सोना अलग कर देती है। वापिस आकर जॉन ने जब लोरोना से चचा रूबन के रास का तस्करा किया और साइमन का हाल सुनाया तो वह कहने लगी, गोइनी का बाप कॉर्फेक्स भी कानकुन था। जॉन को ख्याल पैदा हुआ कि कहीं साइमन ही गोइनी का बाप तो नहीं। चुनाचे उसकी तस्दीक के लिए वो एक बार फिर कान में गया और साइमन से बातचीत की। साइमन ने उसे बताया कि उसकी एक लड़की थी जिसका नाम गोइनी था, जो इसी वीराने में खो गई थी और मुझे यकीन है कि वो दोनों के हाथ लग गई है। जॉन उसे अपने साथ पुलोवर्स बारूस के फार्म में ले गया जहाँ उसने अपनी खोई हुई लड़की को देखा और उसे सीने से लगा लिया। कारफैक्स और गोइनी दोनों बहुत खुश थे और मारे खुशी के दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस बुलावे के बाद ये तो तय हो चुका था कि लोरोना को लंदन जाना चाहिए जिसकी तारीख मुकर्रर नहीं हुई थी, लेकिन वो अकेले तो नहीं जा सकती थी। किसी ना किसी का उसके साथ जाना जरूरी था और जॉन बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी गैर हाजिरी में दोनों के हमले का खतरा था। उम्मीद थी कि शायद कोई लंदन से लेने आए। इस दौरान करीब के देहात में मेला लगा और वो दंगल भी हुआ जिसमें जॉन ने भी शिरकत की और एक मशहूर पहलवान को हरा कर 100 पाउंड का इनाम हासिल कर लिया। वो खुशी खुशी अपने घर वापस आया कि लोरोना को ये खुशखबरी सुनाए, मगर घर में उसे लोरोना नजर नहीं आई। पूछने पर मिसिज रीड ने बताया उसके सरप्रस्त ने उसे लंदन बुला भेजा था। वो उसके भेजे हुए आदमी के साथ रवाना हो गई। जाते हुए वो तुम्हारे लिए खत छोड़ गई है। जॉन ने खत लेकर पढ़ना शुरू किया। लोरोना ने लिखा था, मेरे चचा को मेरा सरप्रस्त बनाया गया है, इसलिए 21 वर्ष की उम्र तक मुझे उन्हीं के साथ क्याम करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के दरमियान जो अहदों पे माँ हुआ है वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल नहीं, जब तक मेरी जान में जान है मैं इस अहद को निभाऊंगी। आप मुझे हमेशा वफादार पाएंगी। जॉन को इस बात का बहुत अफसोस था कि वक्त रुखसत वो एक दूसरे से मिल भी नहीं सके, लेकिन अब सफ़र के सिवा कोई चारा नहीं था। उसी ज़माने में बादशाह चार्ल्स दोम का इंतकाल हो गया। बाज़ लोग नए बादशाह को पसंद नहीं करते थे। वो उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और लोगों को नए बादशाह के खिलाफ भड़काने लगे। जॉन एक दिन एक लोहार की दुकान पर अपने घोड़े के नाल बंधवा रहा था कि एक आदमी घोड़े पर सवार एक नीला झंडा हिलाता और चीखता हुआ उसकी तरफ आया। वो गला फाड़ फाड़ कर कह रहा था, हमें शामिल हो जाओ, हम नए बादशाह को तख्त से उतार देंगे, वो जालिम है। जॉन ने उसकी बात पर कोई तवज्जो न की और घर चला आया। जॉन को इस झगड़े से कोई सरोकार नहीं था, वो एक पुरअमन शहरी था, मगर हालात ने उसको बेताल्लुक न रहने दिया। एक दिन एनी परेशानी की हालत में फार्म पहुंची और डबडबाती आंखों और भराई आवाज से बताया, जॉन टॉम बादशाह के खिलाफ लड़ने गया है, खुदा के लिए उसका पता करो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बहन की आंखों में आंसू देखकर जॉन मजबूर हो गया और टॉम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। जिस मकाम पर बागियों और शाही फौजों में लड़ाई हुई थी उसका नाम सेजमोर था। वो सीधा सेजमोर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि मैदान लाशों से अटा पड़ा है, बेशुमार जख्मी कराह रहे हैं। वो जख्मियों की मदद के लिए घोड़े से उतर पड़ा और उन्हें पानी पिलाने लगा। वो एक जख्मी को पानी पिलाकर फारिग हुआ ही था कि उसे अपनी गद्दी पर कोई गीली सी शय महसूस हुई। घूमकर देखा तो टॉम की घोड़ी दिन्नी अपनी थूथनी से उसे छू रही थी। जब जॉन उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो वह एक तरफ भागने लगी। जॉन भी अपने घोड़े पर बैठकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो उसे लड़ाई के मैदान के दूसरे हिस्से में ले गई। वहां का मंजर पहले मंजर से भी ज्यादा खौफनाक था। बागी शाही फौजों के मुकाबले में निहत्ते थे। अगरचे वो बड़ी बहादुरी से लड़े
मगर राइफलों और तलवारों से तोपों का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। शाही तोपखाने ने उन्हें भून कर रख दिया। बागी या तो मारे गए या जख्मी हो गए और मैदान शाही फौजों के हाथ रहा। दिनी लड़ाई के मैदान से गुजरती हुई जॉन को एक छोटे से साइबान में ले गई जहाँ टॉम पड़ा था। उसकी हालत बड़ी नाजुक थी। जॉन ने उसे कुछ काफ़ी पिलाई और कहा, मैं तुम्हारी तलाश में निकला था। अगर दिनी मेरी मदद ना करती तो शायद मैं तुम्हें इतनी जल्दी ना मिल सकता, टॉम ने नहीफ आवाज़ में कहा। जॉन, तुम्हें पता चल गया होगा कि हम हार गए हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे दिनी की पीठ पर बिठा दो ताकि वो मुझे किसी महफूज मकाम पर ले जाए और मैं शाही कैद से बच जाऊँ। जॉन ने उसकी मरहम पट्टी करके उसे घोड़ी के ऊपर सवार करवाया और घोड़ी को थपकी देते हुए कहा कि दिनी अपने मालिक को घर ले जाओ, और घोड़ी अपने मालिक को लेकर रवाना हो गई ताकि उसे किसी महफूज जगह पहुंचा दे। जॉन बहुत थक गया था। इत्तफाक से उसको एक पुरसकून जगह मिल गई और वह पढ़कर सो रहा। थोड़ी देर बाद उठा तो उसने देखा कि एक आदमी उसका हाथ पकड़कर हिला रहा है और बहुत से सिपाही करीब खड़े हुए हैं। ये लोग जॉन को बागी समझकर उसे कैद करना चाहते हैं, लेकिन जॉन उनसे हाथ छुड़ाकर तेजी से भाग खड़ा हुआ। रास्ते में एक सराय थी जहाँ कुछ सिपाही बैठे हुए थे। उन्होंने उसे नाश्ते में शामिल होने की दावत दी। वो उनके साथ बैठा ही था कि वो सिपाही भी वहाँ पहुँच गए जिनके पास से जॉन भागकर आया था। उन्होंने दूसरे सिपाहियों को बताया कि जॉन तो बागी है। बाज सिपाही चाहते थे कि जॉन को छोड़ दिया जाए, मगर बाज उसके खिलाफ थे, इसलिए उनमें आपस में लड़ाई होने लगी। आखिरकार एक अफसर अपनी तलवार खींचकर बाहर आ गया। उसने कहा, ये नौजवान कौन है? जॉन ने बताया, जनाब मैं बागी नहीं हूँ बल्कि एक ईमानदार काश्तकार हूँ। अफसर ने उसकी इस बात का यकीन नहीं किया और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसको बगावत के जुर्म में फांसी दे दी जाए। आदमियों ने हुक्म बजा लाने की तैयारी शुरू कर दी और एक सिपाही ने जॉन से कुछ बदतमीजी भी की। इस पर जॉन को गुस्सा आ गया और उसने सिपाही को जमीन पर दे मारा। अफसर जॉन की इस हरकत पर बहुत गजबनाक हुआ। उसने हुक्म दे दिया, फांसी का इंतजार ना किया जाए बल्कि इसे इसी वक्त गोली मार दी जाए। सिपाहियों ने अपनी अपनी बंदूकें तान ली और फायर के हुक्म का इंतजार करने लगे। जॉन की हालत भी अजीब थी। अगर जब मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो खौफजदा नहीं था। अलबत्ता उसे लोरोना याद आ रही थी। उसको आखिरी बार देखने की हसरत थी। ऐन उसी वक्त एक घुड़सवार बंदूकों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो चीखा, ये आदमी मेरा कैदी है। आने वाला शख्स जेरेमी था जो शाही फौज की तरफ से जंग में शामिल था। जेरेमी ने अफसर को बताया कि वह जॉन से वाकिफ है। अफसर ने जॉन को छोड़ दिया और उसे जेरेमी के हवाले कर दिया। जेरेमी ने उससे कहा, अब तुम जल्द अज जल्द घर चले जाओ वरना फिर किसी बिला वजह मुसीबत में फंस जाओगे। जॉन ने जवाब दिया, अगर मैं घर जाऊंगा तो सिपाही ये ख्याल करेंगे कि मैं कोई भागा हुआ बागी हूँ। मुमकिन है कि शाही आदमी मुझे आकर गोली मार दे और पुलुवर्स बारूस को तहस नहस कर दे। नतीजा ये होगा कि मेरी माँ और अलीजे भूखे मर जाएंगी। ये सुनकर जेरेमी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद बोला, ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि तुम मेरे कैदी की हैसियत से लंदन चलो, लेकिन वहाँ तुम्हें शाही अफसरों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। जॉन ने इस बात को कबूल कर लिया और उसके साथ लंदन रवाना हो गया। लंदन में उसे रहने के लिए एक छोटी सी दुकान पर जगह मिली जहाँ पोस्तीन के हैट और टोपियाँ बिकती थीं। जंगी कैदी होने की वजह से वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता था, इसलिए उसे जेरेमी से इजाज़त लेना पड़ती। इसलिए वो अपना बेशतर वक्त दुकानदार से बातचीत करने में गुजारता। दुकानदार उसे लंदन के मशहूर लोगों के बारे में बताता रहता। एक दिन वो जॉन से कहने लगा, लोरोना डोगल यहाँ की मौजिज़ औरतों में से ज़्यादा खूबसूरत है। वो नवाब ब्रांडेड के साथ रहती है जो उसका चचा है। जॉन ने दुकानदार को ये नहीं बताया कि वो लोरोना को जानता है, बल्कि उसने कहा, क्या मैं लेडी लोरोना को देख सकता हूँ? क्यों नहीं, दुकानदार ने कहा। वो हर इतवार को बादशाह और मलका की खिदमत में हाजिर होती हैं और उनके साथ ही गिरजा जाती हैं। आप चाहें तो इसी इतवार मैं कोशिश करके आपके लिए गिरजा में जगह हासिल कर लूँगा। जॉन राजी हो गया और इतवार का दिन आया तो वह गिरजे में पहुंच गया। वहां इतने आदमी थे कि उसे पीछे खड़ा होना पड़ा। वो आदमी जो लोगों को कायदे से बिठा रहा था जॉन से हंसकर कहने लगा, तुम इतने लंबे हो कि दूसरे लोगों के सर के ऊपर से सब कुछ देख सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए अगली और पिछली सफ बराबर हैं। और वाकई जॉन गिरजा की सब चीज़ें देख सकता था। उसे शमादान और फूल बड़े खूबसूरत लग रहे थे। इतने में करना की आवाज़ आई और बादशाह और मलका गिरजा में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे मौजिज़ खवातीन दाखिल हुईं जिनमें लोरोना भी शामिल थी। वो सफ़ेद लबास पहने थी, हाथ में एक सुर्ख गुलाब का फूल था और वो इस वक्त बड़ी खूबसूरत लग रही थी। यकायक उसकी नज़र जॉन पर पड़ गई और उसके चेहरे पर एक रौनक आ गई जिससे उसका हुस्न कुछ और बढ़ गया।
उसने जॉन को इशारे से सलाम किया और आगे बढ़ गई। मगर जब सब लोग चले गए तो एक आदमी जॉन के पास आया जो लोरोना की तरफ से एक पर्चा लाया था। उसने लिखा था, जॉन मैं तुम्हारे लिए जो कुछ थी आज भी वही हूँ। अपने चचा के घर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लोरोना। जॉन को ये खत पढ़कर बड़ी खुशी हुई और वो फूला ना समाया, क्योंकि जब से वो लंदन आया था उस वक्त से उसे लोरोना की कुछ खबर नहीं थी और वो उसके लिए बहुत बेचैन था। ये सवाल उसे परेशान करता रहता था कि लोरोना इस इज्जत और मर्तबे पर पहुंच जाने के बाद भी एक किसान से मोहब्बत रखती है। इस खत ने तमाम खदशात दूर कर दिए और जॉन खुशी के समंदर में डूब गया। दूसरे दिन वो लोरोना से मिलने के लिए उसके चचा के बंगले पर पहुंचा। दरवाजे पर उसे गोइनी मिली। गोइनी के रवैये से जॉन को महसूस हुआ कि उसे खुशी नहीं हुई। इतने में लोरोना आ गई और जॉन को देखते ही पुकार उठी, मेरे जॉन तुम आ गए। उसके बाद ही वो शिकायत के लहजे में बोली, ये तो बताओ तुमने मेरे खतों का जवाब क्यों नहीं दिया। ये सुनकर जॉन को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने हैरत से पूछा, क्या तुम मुझे खत लिखती रही हो, मुझे तो तुम्हारा कोई खत नहीं मिला। लोरोना समझ गई कि गोइनी ने उसे खत भेजे ही नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि लोरोना जॉन को भूल जाए और किसी मौजिज़ और दौलतमंद आदमी से शादी कर ले। लोरोना ने एक ठंडी सांस भरी और आहिस्ता से कहा, काश मैं तुमसे उसी वक्त शादी कर सकती, क्योंकि मुझे तन्हाई का बहुत एहसास होता है। मगर मैं क्या करूं, 21 साल की उम्र से पहले ऐसा नहीं हो सकता। अब जॉन जब चाहता लोरोना से मुलाकात कर सकता था, इसलिए वो बहुत खुश था। उसकी खुशी उस वक्त और भी बढ़ गई जब उसे पुलुवर्स बारूद से माँ का भेजा हुआ खत मिला। मिसिज रिड ने लिखा था, डॉन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली है और किसानों ने यह तय कर लिया है कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें खाने को देते रहेंगे, ताकि डोनों को लूटमार की ज़रूरत बाकी ना रहे। उसने लिखा था, टॉम फिगर्स बखैरियत घर पहुंच गया है। लोरोना के लिए उसने एक हंस, ताज़ा अंडे, चेरी का मरबा और ताज़ा मक्खन भेजा था। जेरेमी के लिए भी एक तोहफा था और जॉन के लिए कुछ रुपये और खाने का सामान। मिसिज रिड के भेजे हुए तोहफे जॉन ने लोरोना को दिए तो वो बहुत खुश हुई और उसे खुश देखकर जॉन की खुशी पहले से भी दुगनी हो गई। लोरोना के चचा यानी नवाब साहब जॉन को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने उसे इजाज़त दे रखी थी कि वो जब चाहे उनके घर आ जा सकता है। एक शाम को जब जॉन लोरोना के घर से जाने लगा तो उसने देखा कि चंद गुंडे किस्म के आदमी मकान के पास एक कोने में खड़े हैं। उसे शक गुजरा कि शायद ये चोर हैं और दौलतमंद नवाब के यहाँ चोरी करने आए हैं। उसने फैसला किया कि मुझे यहीं रुककर देखना चाहिए कि ये क्या करते हैं और उनके इरादे क्या हैं। इसलिए वो एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ वो उन लोगों की नज़रों से छुपकर उन्हें देख सकता था। अंधेरा भर जाने में तीन आदमी बावर्ची खाने की तरफ खिड़की की तरफ चल पड़े। किसी ने खिड़की खोल दी और वो कूदकर अंदर दाखिल हो गए। जॉन भी उनके पीछे कूद पड़ा। ये लोग नवाब साहब के सोने के कमरे में दाखिल हो गए और एक तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगे जो दीवार में लगी हुई थी, मगर उन्हें कामयाबी ना हुई। उस पर एक चोर ने बंदूक की नाली नवाब साहब के सीने की तरफ करते हुए कहा, चाबियां हमारे हवाले कर दो वरना गोली सीने के पार हो जाएगी। लेकिन नवाब साहब ने चाबियां देने से इनकार कर दिया। बदमाश कोई हरकत करने ही वाला था कि यकायक जॉन कमरे में दाखिल हुआ। उसने तेजी से अपना डंडा उस बदमाश के हाथ पर मारा और बंदूक हाथ से छुटकर नीचे गिर पड़ी। पेशतर इसके कि बदमाश संभलता, जॉन ने उसे दबोच लिया और उसे नीचे पटक दिया। उसके दोनों साथी जॉन पर झपटे, लेकिन वो उन दोनों से ज्यादा ताकतवर निकला। उसने उनको भी पटखनियां देकर नीचे गिरा लिया और हाथ पैर बांध दिए। नवाब साहब ने इस वाकये का जिक्र बादशाह से किया और कहा कि जॉन ने किस बहादुरी से चोरों को पकड़कर उसकी जान बचाई। बादशाह सुनकर बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया उसे दरबार में हाजिर किया जाए। जॉन हाजिर हुआ तो बादशाह और मलका ने उससे गुफ्तगू की और उसके कारनामे पर उसे शाबाश दी। उसके बाद बादशाह ने तलवार मंगवाई और जॉन को हुक्म दिया, दो जानू हो जाओ। हुक्म की तामील में जॉन घुटनों के बल झुक गया तो बादशाह ने तलवार से जॉन के कंधे को छूने के बाद कहा, सर जॉन रिड उठिए। अब जॉन एक मामूली किसान जॉन रिड से सर जॉन रिड बन चुका था और अब नवाबजादी लोरोना के साथ शादी में कोई रुकावट नहीं थी। अब जॉन बिल्कुल आज़ाद था और जब जी चाहे घर जा सकता था। चूंकि लोरोना से जुदा होने को उसका दिल नहीं चाहता था, इसलिए वो लंदन से वापसी के सफर को आज कल पर टाल रहा था। आखिर एक रोज उसने जी कड़ा करके लोरोना को खुदा हाफिज कहा और अपने फार्म को रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने डोनों के मुतालिक बहुत सी खबरें सुनी। अगरचे मुआहदे के तहत किसान उनके लिए भेड़ें, बैल, आटा और दूसरी चीज़ें मुहैया करते थे, मगर डोनों ने मुआहदे को तोड़कर फिर धावे बोलना शुरू कर दिए। यूं लगता था कि कत्लोगारत और डाका जनी उनके अंदर इस तरह रच बस गई थी
के पुरअमन रहने से उनका जी घबराने लगता था। जब किसानों को जॉन के आने की इत्तला मिली तो उनका एक वफद उनसे मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा, दोनों ने वादा खिलाफी की है, जब तक ये जिंदा हैं शरारतों से बाज नहीं आएंगे, इसलिए उनका एक ही इलाज है, उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उनके ठिकाने तबाह कर दिए जाएं। इस काम के लिए उन्होंने जॉन से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन जॉन उनके खिलाफ आखिरी कदम उठाने से पहले दोनों को एक मौका और देना चाहता था। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद ये लोग सुधर जाएं और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने लगे। उसने छड़ी में एक सफ़ेद रुमाल बांधा जो सुलह का निशान था। इसको लेकर वह डॉन की वादी में कारवर डॉन से बातचीत करने के लिए पहुंच गया, लेकिन कारवर पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। जॉन मायूस होकर वापस चला आया। जब वो वापस आ रहा था तो खबीस कारवर डॉन ने अपने कुछ मुसल्ला आदमी पीछे लगा दिए और उन्हें हुक्म दिया कि मौका पाकर जॉन पर फायर कर देना। उन शैतान के चेलों ने पीछे से जॉन पर फायर कर दिया, लेकिन जॉन तेजी से भागकर एक चट्टान की ओट में हो गया और बच बचाकर निकलने में कामयाब हो गया। इस वाक्य से जॉन को डॉन लोगों से इतनी नफरत हो गई कि उसने उनको ख़त्म करने के लिए किसानों की सरदारी मंजूर कर ली। पुल्लूवर्स बारूस के फार्म में इर्द गिर्द के तमाम किसान जमा हो गए। वो हथियारों के साथ साथ अपनी बीवी बच्चों को भी लेते आए ताकि जब मर्द लड़ने के लिए चले जाएं तो औरतें और बच्चे फार्म में हिफाजत से रह सकें। थोड़े से सिपाही भी उनकी मदद को आ गए। टॉम फेगस भी इत्तला मिलने पर आ गया। चचा रियूबन भी अपने दोस्तों को ले आए। दोनों ने जो सलूक उनके साथ बहुत पहले किया था उसे याद कर करके उन्हें अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने साइमन कॉर्फ्लेक्स और दूसरे कानकुनों को भी बुला लिया। उन्हें पता था कि दोनों की वादी पर हमला करना बड़ा मुश्किल काम है, और यह भी याद था कि जिरीमी ने जब 100 सिपाहियों के साथ हमला किया था तो दोनों ने उन्हें किस तरह भगा दिया था। आखिर चचा रियूबन, जॉन और टॉम फेगस ने एक खुफिया जगह बैठकर हमले का मंसूबा तैयार किया। ये तय हुआ कि हमला जुम्मे की रात को किया जाए। दोनों की ताकत को मुंतशिर करने के लिए उन्होंने एक चाल चली। जॉन और रियूबन जानते थे कि डॉन बड़े लालची हैं और उन्हें मौका मिले तो रियूबन की कान का सोना हासिल करने में पसोपेश ना करें। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि साइमन कॉर्फेक्स को डॉन की वादी में भेजा जाए और वह उन्हें सोना दिलवाने का लालच देकर साथ ले आए। पहले तो साइमन ने जाने से इनकार किया, लेकिन आखिरकार वो राजी हो गया और वादी की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने कौंसलर डॉन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और साथ ही ये भी कहा कि वो एक दोस्त की हैसियत से आया है और डॉनों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। कौंसलर से मुलाकात पर उसने कहा, कान खोदने वाले रियूबन से नफरत करते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी कान पर कब्जा कर लें और सोना छीन लें। तुम अपने 20 आदमी जुम्मे की रात भेज दो, मैं कान के नज़दीक पुराने मकान में उनका इंतजार करूंगा। उसके बाद हमला करके हम कान पर कब्जा कर लेंगे और सारा सोना आपस में बांट लेंगे। कौंसलर की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उसने साइमन की बातों पर फौरन यकीन कर लिया। उसने सोचा कि सोना मिल जाने पर साइमन को कौन पूछेगा, दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेंगे। वादे के मुताबिक जुमे की रात को दोनों के 20 आदमी साइमन के पास पहुंच गए। उधर उसी रात टॉम फेगस कुछ आदमियों के साथ लेकर डॉन की वादी के बड़े फाटक के पास पहुंच गया। दोनों ने देखा तो उन पर फायरिंग शुरू कर दी। टॉम फेगस के आदमी फौरन एक तरफ छुप गए। अंदर जितने डॉन थे सब फाटक पर जमा हो गए। उन्हें हमले का तो यकीन हो गया, मगर हमलावर कोई भी दिखाई नहीं देता था। ताहम उन्होंने फाटक पर मोर्चे संभाल लिए और हमले का इंतजार करने लगे। इस अरसे में जॉन रेड 20 आदमियों को लेकर उस आबशार के नीचे पहुंच गया जिसके नज़दीक वो लोरोना से मिला करता था। जल्द ही उन लोगों ने बंदूक चलने की आवाज़ सुन ली। ये इस बात का इशारा था कि तमाम डॉन वादी के दूसरे सिरे पर बड़े फाटक के नज़दीक आ गए हैं, इसलिए अब रास्ता साफ है। अब जॉन ने चीख कर कहा, दोस्तों ऊपर चढ़ते वक्त अपनी बंदूकों का मुंह ऊपर की तरफ रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद ही अपनी गोलियों का निशाना बन जाएं। फिर उन्होंने ऊपर चढ़कर आबशार को पार किया और चुपके से वादी में दाखिल हो गए। जब वो कारवर के घर के सामने पहुंचे तो जॉन ने कहा, मैं उसके घर में आग लगाना चाहता हूँ क्योंकि उसने बहुत से घरों को जलाया है। उन्होंने सबसे पहले औरतों और बच्चों से कहा कि वो बाहर निकल आएं और फिर जॉन ने उस लकड़ी के बने हुए घर में आग लगा दी। दूसरे लोगों ने भी और बहुत से घरों में आग लगा दी और थोड़ी ही देर बाद हर तरफ शोले बुलंद हो रहे थे। औरतें और बच्चे आग आग चीख रहे थे। उन्होंने देखा कि तकरीबन 100 आदमी घरों को जला रहे हैं और कोई बड़ा खौफनाक आदमी उनकी रहबरी कर रहा है। दोनों को जैसे ही हालात का पता चला वो गांव की तरफ वापस भागने लगे। उनके भागते ही जॉन के आदमियों ने उन पर फायर करना शुरू कर दिया। डॉन लोगों ने अपने घरों को बचाने की बेहद कोशिश की और बड़ी बहादुरी से लड़े, मगर उनकी एक ना चली। घर धड़ाधड़ जलते रहे और जॉन के साथ ही बंदूकें चलाते रहे। रात भर लड़ाई होती रही और इंसान चीख चीख कर ख़त्म होते रहे।
सुबह हुई तो सब मकान जलकर भस्म हो चुके थे और जितने भी डोन वादी के अंदर थे सबके सब हलाक किए जा चुके थे। अब लड़ाई खत्म थी। जॉन ने देखा कि काउंसलर भागा जा रहा है। वो तेजी के साथ उसके पीछे दौड़ पड़ा और उसने उसको पकड़ लिया। काउंसलर चलाया, जॉन, सर जॉन, मेरी जान बख्शी कर दो, मैं तुमसे जिंदगी की भीख मांगता हूँ। जॉन ने जवाब दिया, तुम अगर दो काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहला काम ये कि मुझे मेरे बाप के कातिल का नाम बता दो। काउंसलर ने जवाब दिया, ये मेरे लड़के कारवर का काम था, मैं वहां मौजूद होता तो ऐसा हरगिज ना होने देता। जॉन को इल्म था कि काउंसलर ये पसंद नहीं करता कि वो किसी से लड़े या किसी को मार डाले, इसलिए उसकी बात का यकीन कर लिया। फिर जॉन ने कहा, दूसरा काम यह है कि मुझे लोरोना का हार वापस कर दो। बूढ़ा काउंसलर कहने लगा, हार मेरे पास नहीं है, कारवर के पास है। जॉन उसके कहने को सच समझकर उसे छोड़ने ही वाला था कि काउंसलर कोई चीज अपनी जेब में छुपाने लगा। इससे जॉन को शक गुजरा। उसने अपना हाथ उसकी जेब में डाल दिया और उसमें से लोरोना का हीरे का हार निकाल लिया। बुड्ढा चिल्लाया, हार ना लो, मेरे पास सिवाय इसके और कुछ नहीं है। जॉन ने कहा, मैं तुम्हें हार नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा नहीं है, लोरोना का है। फिर जॉन को बुड्ढे पर रहम आ गया और उसने कहा, अच्छा इसमें से तुम्हें एक हीरा दिए देता हूँ। उसने एक हीरा हार में से निकाला और काउंसलर को दे दिया। काउंसलर ने उसे गनीमत जाना और जॉन के पंजे से रिहाई पाते ही एक तरफ भाग खड़ा हुआ। फिर नहीं मालूम कि उस पर क्या गुजरी। अब इस जमात का हाल सुनिए जिसमें डॉन के 20 आदमी शामिल थे। ये लोग वादी से रवाना होकर जल्द ही उस पुराने मकान के पास पहुंच गए जहां साइमन उनका इंतजार कर रहा था। वो उनको देखते ही कहने लगा, तुम सब इसी मकान पर इंतजार करो। लोग जब कान से सोना लेकर निकले तो उनसे सोना छीन लेना। एक लम्हा ठहर कर उसने कहा, मुनासिब यह है कि इंतजार के दौरान कुछ खाने पीने का शुगल हो जाए। डॉन बिला तामुल राजी हो गए। साइमन उन्हें शरबत के गिलास भर भर कर देने लगा। जो भी ये शरबत पीता जाता उसको नींद आने लगती। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर बाद सारे डॉन सो रहे थे। अब तो आप जान गए होंगे कि उसकी क्या वजह थी। साइमन ने होशियारी ये की थी कि उस शरबत में बेहोशी की दवा मिलाई थी। उनके सोते ही साइमन ने उनकी बंदूकों में पानी डालकर उन्हें नकारा बना दिया। इतने में दूसरे कानकुन भी आ गए। होश में आने के बाद दोनों ने जो मंजर देखा वो उनकी सीटी गुम करने के लिए काफी था। कई आदमी उन पर बंदूकें ताने खड़े थे। उन्होंने भी अपनी बंदूकें संभाल ली लेकिन जब फायर किया तो एक भी ना चल सकी। आखिरकार दस्त बदस्त लड़ाई शुरू हो गई। डॉन जितनी बहादुरी से लड़ सकते थे लड़े, मगर सब मारे गए। सिर्फ कारवर डॉन बच सका, जो उचक कर अपनी काली घोड़ी पर बैठ गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। जॉन और उसके साथी औरतों और बच्चों को डॉन की वादी से पुलूवर्स बारूज ले आए। किसानों ने हर तरह से औरतों की मदद की और उनसे बड़ी मेहरबानी से पेश आए। जल्द ही अक्सर औरतें अपने बच्चों समेत नए घरों में आबाद हो गई और छोटे मोटे काम करके अपनी गुजर औकात करने लगी। जॉन एक छोटे बच्चों को अपने साथ रखता था जिसका नाम एनसी डॉन था। हालांकि वो कारवर का लड़का था मगर जॉन का ख्याल था कि वो बहादुर और ईमानदार बच्चा है। एनसी को जॉन से बड़ी मोहब्बत थी और वो हर वक्त उसी के साथ ही रहता था। अब डॉन लोगों को सजा मिल चुकी थी, हर शख्स अमन और चैन से रहने लगा। जॉन भी खुश था क्योंकि इस लड़ाई के बाद ही लोरोना वापस फार्म में आ गई। उसके चचा यानी नवाब साहब का इंतकाल हो गया और अब वो जॉन से शादी करने के लिए आज़ाद थी। मिसिज रीड को उसके आ जाने की इतनी खुशी हुई कि उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े और उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। उसके बाद वो लोरोना और एलिजे की शादी की तैयारियों में लग गई। जॉन बहुत खुश था मगर उसको रह रहकर ख्याल आ रहा था कि कारवर डॉन अभी जिंदा है। बड़े इंतजार के बाद शादी का दिन आया। लोरोना ने इस मौके पर बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद लिबास पहना। उस दिन वो वाकई इतनी हसीन लग रही थी कि जो देखता देखता ही रह जाता। गिरजाघर में जब शादी की रस्में ख़त्म हो गई और जॉन की अंगूठी लोरोना की उंगली में पहना दी गई तो यकायक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और लोरोना ज़मीन पर गिर गई। जॉन ने घबरा कर उसे उठाया तो देखा कि वो बिल्कुल बेहोश है। वो उसका नाम ले लेकर पुकारने लगा मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। जॉन को यकीन हो गया कि लोरोना मर गई। दुनिया उसकी आंखों में अंधेर हो गई मगर उसने वक्त ज़ाया नहीं किया। लोरोना को मिसिज रिट की गोद में डालकर खुद कातिल के पीछे दौड़ पड़ा। उसे यकीन था कि गोली कारवर ने चलाई है। अगरचे उस वक्त वो शादी के लिबास में था और बिल्कुल तन्हा था मगर उसे उन बातों की परवाह नहीं थी। एक इंतकाम की आग थी जो उसके सीने में भड़क रही थी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर अंदाजे से एक तरफ चल पड़ा। जल्द ही उसने कारवर की काली घोड़ी को देख लिया। उसने घोड़े को ईड़ लगाई और उसकी रफ्तार तेज से तेज तर करने लगा। कारवर अपने छोटे बच्चे एनसी को भी उठा ले गया। जब एनसी ने जॉन को देखा तो उसने अपने बाजू फिला दिए और उसे पुकारने लगा।
वो अपने बाप से डर रहा था और जॉन की आगोश में पनाह लेने के लिए बेकरार था। दोनों घोड़े तेजी से दौड़ते हुए दलदल के करीब आ गए। कार्वर ने मुड़कर जॉन पर फायर किया जिससे वो जख्मी हो गया, मगर उसके बावजूद उसने कार्वर को दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। करीब पहुंचकर उसने कार्वर की घोड़ी को धक्का दिया जिससे कार्वर जमीन पर आ रहा। जॉन ने छोटे बच्चे से कहा, तुम एक तरफ हट जाओ, और जॉन ने कार्वर को इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया कि वो बेबस हो गया। आखिर उसने कार्वर से कहा, तुम हार गए, जाओ, अब कभी वापिस ना आना। मगर जॉन ने जैसे ही उसे छोड़ा, कार्वर का पांव अचानक फिसल गया और वो दलदल में गिर गया। कार्वर दलदल में कुछ इस तरह घुसा के फिर निकल ही नहीं सका। जॉन छोटे अंसी को साथ लेकर घर पहुंचा तो वो बहुत रंजीदा था, आंसू पलकों पर चमक रहे थे और लोरोना की तस्वीर उसकी आंखों में फिर रही थी। फॉर्म में दाखिल होते ही उसने रित हकाबेक से कहा, रित मुझे जल्द बताओ लोरोना का क्या हुआ। रित ने कहा, जॉन वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है, फिर भी उम्मीद है कि वो बच जाएगी, मगर तुम इस जख्मी हालत में उसके सामने ना जाना, अगर उसकी नजर पड़ गई तो इस पर वो बहुत बुरा असर होगा, हो सकता है कि वो इस सदमे से ही मर जाए, इसलिए जाओ और जाकर आराम करो। अगरचे जॉन का जी नहीं चाहता था, मगर मान लेने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। इतने में एनी भी आ गई। वो पहले ही परेशान थी, अब भाई को जख्मी देखा तो और भी परेशान हो गई। दोनों ने जल्दी से जॉन को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और उसकी मरहम पट्टी की। जॉन को ठीक होने में काफी दिन लगे, इतने दिन वो बिस्तर पर ही पड़ा रहा। वो लोरोना के बारे में पूछता लेकिन कोई उसे कुछ ना बताता। इससे उसने यही क्यास किया कि लोरोना मर गई और घर वाले मुझसे छुपा रहे हैं। अब वो तकरीबन तंदुरुस्त था। एक दिन जिद उसके कमरे में आई और उससे कहने लगी, जॉन देखो तो भला तुमसे कौन मिलने आया है। जॉन ने निगाह उठाकर देखा तो उसके पीछे लोरोना खड़ी थी। वो हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत थी। जॉन बेख्तियार होकर उठ बैठा और बेसाख्ता पुकारा, लोरोना तुम जिंदा हो, जिद ने मेरी जान बचाई है, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लोरोना ने कहा, और तुम्हारे साथ मैं भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने तुम्हारी नहीं मेरी जान बचाई है, जॉन ने कहा। आज पुलुवर्स बारूस के फार्म में हर तरफ खुशी और मुसर्रत का राज था।